जिसमें आज हम लोग टाइम एंड वर्क और टीएसडी, हालांकि टीएसडी टाइम एंड वर्क अगर आज हो गया तो टीएसडी भी स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज एक और क्लास अपने पास, तो कोशिश करते हैं आज पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास को टीएसडी कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को लेवल बेटर ही रखना है, हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन पे ही एंड करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पहले मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस शीट से दिखा देता हूँ आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ऐसे में बोलता है कि जैसे ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं, और आपसे बोलता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए किसी जॉब को 24 डेज में कर सकता है, बी कैन डू द सेम जॉब इन 32 डेज एंड सी कैन डू इट इन 60 डेज, ऐसा आपको दे रखा है। सेम जॉब के लिए टाइम है अलग अलग होता है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सेम जॉब के लिए। फिर आपसे बोलता है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, दे स्टार्टेड, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। हर एक क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट को कौन कर रहा है, तीन चार लोग है, कोई एक कर रहा है, दो कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर और उसके बाद दो स्टेप हैं इसके अंदर, ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 6 डेज एंड बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 8 डेज। अगर आपको सिर्फ इतना बोलूं तो क्वेश्चन में अभी तक क्या समझ पा रहा है? अभी तक इस इन दो लाइन से क्या समझ पा रहा है, कैसे कैसे वर्क शुरू हुआ है, कौन कब कब जा रहा है, मुझे बताइए। कितने दिन? दिन? 6 डेज के लिए एबीसी ने काम किया, ठीक है। 2 डेज बाद फिर उसके 2 दिन के बाद बी जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट 8 डेज नहीं लिखा है, बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 8 डेज, मतलब स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद वो जा रहा है, ये मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर वन आपसे बोलेगा टोटल टाइम जिसमें वर्क कंप्लीट हो रहा है ना, टोटल टाइम पूछेगा टू कंप्लीट द वर्क। और आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि आपको पता कि ए गया, बी गया, और बी के जाने के बाद अब कौन काम कर रहा है, तो सी अकेले काम कर रहा है कुछ टाइम तक, यहां पे मेंशन कर दूं, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी, जो भी रिपोर्ट पे मैंने, तो आपसे बोलेगा कि फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज सी इज वर्किंग अलोन, ये सी वर्क अलोन। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है सर। 22 दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर करना है। पहला वाला क्या है? पहला वाला टोटल टाइम, फिर है फॉर हाउ मेनी डेज सी इज वर्किंग अलोन, टोटल टाइम 30, टोटल टाइम 30, ओके गुड, और सेकंड वाले का 22, ठीक है। सैफ आप भी बताएं, और पलक आप भी बताएं, दिव्यांशु आप भी बताएं, बता भाई आरो वर्णव कैसे किया था। सर एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद तीनों का वनडे वर्क आ जाएगा, ओके और उसके बाद वो जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे वनडे वर्क के हिसाब से।
ठीक है, कर सकते हैं उस टाइप से, कोई इश्यू नहीं है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल ले, फिर वनडे वर्क निकाल ले, और हम लोग ये देख ले कि कितने दिन में कितना कितना काम सब लोग कर रहे हैं। बेसिकली यही है। मैं अगर इस क्वेश्चन में आपको एक टाइमलाइन बनाऊं और बताऊं कि वर्क किस टाइप से हो रहा है, तो पहला जो 6 डेज है, फर्स्ट 6 डेज में कौन काम कर रहे हैं? ए बी सी काम कर रहे हैं, ये तीनों काम कर रहे हैं फॉर फर्स्ट 6 डेज। और जो नेक्स्ट 2 डेज है उसमें ए जा रहा है, मतलब बी और सी काम कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 डेज। ये 2 डेज में सिर्फ बी और सी काम कर रहे हैं। नाउ द बी इज लीविंग, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? सी अकेले काम कर रहे हैं, ये बात देख पा रहे हैं। और हमें ये डेज नहीं पता है, अगर ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा सी अकेले कितने दिन काम कर रहे हैं, ये टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं पता चल जाएगा। देख पा रहे हैं सर, समझ पा रहे बात को? तो बेसिकली देखो, एक चीज ये होती है कि जैसा ये आरव वर्णो बता रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं हम लोग। और एक बात ये भी है कि अगर हम ये देख पाए कि कौन कौन इन्वॉल्व है वर्क में, और जब वो चले जाते हैं ऑब्वियसली, तो जब चले गए तो कुछ वर्क करके गए होंगे, तो अगर हम ये देख पाए कि वो कितना कितना वर्क करके जाते हैं, तो जो भी लोग बचे उनको रिमेनिंग कितना काम करना पड़ेगा, ये अगर हमें देखना आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं ए कितने दिन काम किया, ए सिर्फ 6 डेज काम किया, बेसिकली बात यही है इसके अंदर कि ए ने सिर्फ 6 डेज काम किया, बी ने कितने डेज काम किया। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं ए 6 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बता पाएंगे मेरे को ए 6 डेज में कितना काम करता होगा? बताइए। ए क्या करता है? 24 दिन में वर्क कंप्लीट कर लेता है। इधर ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है देवांशु, ए 24 दिन में वर्क कंप्लीट कर लेता है, 12 दिन में कितना करेगा? हाफ, 6 दिन में कितना करेगा? 1/4। तो अगर कोई बंदा 24 डेज में कंप्लीट कर लेता तो 6 डेज में कितना वर्क करेगा? 1/4। 1/4 को आप क्या बोलोगे? 25%। 25% वर्क करके। सिमिलरली अगर बी की बात करूं तो बी जो है वो 32 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, 8 डेज में कितना काम करेगा? 8 × 4 = 32 होता है ना, 1/4, इसके लिए भी 1/4 आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा? 25%। अच्छा, वर्क पूरा हुआ है जो सी ने जब तक रिमेनिंग अकेले वर्क किया है, तब जब वर्क कंप्लीट हुआ मतलब वर्क पूरा हो गया है, मतलब हमारे पास 100% वर्क हो चुका है। तो अगर 25% काम ये लोग किए हैं तो 50% वर्क कौन करेगा? सी 50% वर्क करेगा, ये ना मतलब हुआ, ये तो मतलब हुआ सी जो है यहाँ पे स्टार्टिंग से वर्क कर रहा है, टाइमलाइन देखो आखिरी तक काम कर रहा है, और सी को वर्क करने के लिए मिल कितना रहा है? सिर्फ 50%। तो अगर वो 60 दिन में पूरा कर सकता है, ये तो दिया हुआ है 60 डेज में अकेले पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 डेज में कितना करेगा वो? 50%। और 50% कराना है, तो इसका मतलब सी ने टोटल कितने डेज के लिए काम किया? 30 दिन के लिए काम किया। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? यस सर। अगर ये बात समझ में आती है तो आप टाइमलाइन पे देखो, सी कब से काम कर रहा है, सी का ड्यूरेशन देखो यहाँ पे कब से कब तक काम कर रहा है, बताएं भाई सैफ, सी कब से कब तक काम कर रहा है? टाइमलाइन बनी हुई सामने, देख के बताइए। सी कब स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग से कब तक काम कर रहे हैं? कंप्लीशन तक। तो सी 30 दिन काम करेगा, स्टार्टिंग से कंप्लीशन तक करा, दैट इज योर टोटल टाइम। 30 डेज क्या हो गया आपके पास टोटल टाइम, एंड फॉर हाउ मेनी डेज ही इज वर्किंग अलोन? शुरुआत के 8 दिन इन लोगों के साथ है, यहाँ अकेले काम कर रहे हैं, बाकी कितने दिन बचे? आप बोलोगे 22 डेज। आंसर करना हो तो शायद इसमें लिखना ही ना पड़े आपको कुछ, आप अगर वैल्यूज कैसे देख सकते हो, समझ सकते हो, आप तो आप अच्छे से कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मैं एक बार बता दूं, यूनिट्स वगैरह अज्यूम करके फ्रैक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, यूनिट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, चीजें बहुत है, सबसे आसान तरीका ही है। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आरव, वर्णव, पलक, आस्था, ठीक है फिर, बहुत अच्छी बात है।
फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days. ए और बी एक साथ जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं. फिर आपसे बोलता है कि ए वर्क्स फॉर फर्स्ट 6 days, ठीक है, एंड बी वर्क्स फॉर नेक्स्ट 4 days. आपको इतना दिया दो स्टेटमेंट, ए वर्क्स फॉर फर्स्ट 6 days एंड बी वर्क्स फॉर नेक्स्ट 4 days, एंड स्टिल 20% ऑफ, या ठीक है 20% ऑफ वर्क इज रिमेनिंग. ये कंडीशन देने के बाद भी 20% वर्क रिमेनिंग है, अभी तक 80% काम हुआ है, ठीक है. तो बोलता कि फाइंड द टाइम टेकन बाय स्लोअर वर्कर टू कंप्लीट द वर्क अलोन, टू कंप्लीट द वर्क अलोन. समझ गए क्वेश्चन? इन दोनों में जो भी स्लो काम कर रहा है वो कितने देर में वर्क कंप्लीट कर सकता है, दिस इज द क्वेश्चन. थोड़ा सा टाइम लीजिए, आंसर करिए. सर आंसर 15 है क्या? कितना? 15. पूछ रहे हैं बता रहे हैं? बता रहा हूँ. फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया बाद में? समझाना पड़ेगा अर्नव थोड़ा सा. सब लोग टाइम रुक जाए, 2 मिनट सब लोग कर ले, फिर उसके बाद. हो गया सैफ? जल्दी बताइए. बताओ भाई अंडा कैसे किया? सर पहले दिया हुआ है ए और बी मिलकर 6 डेज में काम करते हैं, इसका मतलब ए ने भी 6 दिन काम किया होगा और बी ने भी 6 दिन काम किया होगा, ठीक है. फिर दूसरी इक्वेशन में दिया है ए ने 6 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद 20% बचा है, तो इससे पता चलेगा कि बी का 2 दिन का काम 20% के इक्वल है. किसका? बी का 2 दिन का काम 20% के इक्वल है, ठीक है. तो फिर बी का 6 दिन का काम हो जाएगा 60% के इक्वल, और ए का 6 दिन का काम होगा 40%, ठीक. इसका मतलब ए धीरे काम करता है. गुड,
चलो बहुत अच्छी बात है। 6 दिन 40% तो 15 दिन 100% ठीक है, चीज देख पा रहे अच्छी बात है। यहाँ बेसिकली बात क्या ना, ये स्टेटमेंट का मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं। टी एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब क्या है भाई, ए का 6 दिन का काम और बी का भी 6 दिन का काम, क्या दोनों बराबर करेंगे? नहीं पता। लेकिन सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया कि ए का 6 दिन का काम मिल जाए और बी का भी 6 दिन का काम मिल जाए तो क्या होएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बोला इसमें ए का तो 6 डेज दे दिया मैंने, ए का तो 6 डेज दे दिया, अब बी का भी 4 डेज दे दिया। लेकिन अगर मैं बी का अगर सपोज 2 डेज और दे देता बी के लिए मान लीजिए तो क्या होता? तो वह कंप्लीट हो जाता। तो मैंने ये और ये दिया ना आपको, ये नहीं दिया मतलब ये बी का 2 दिन का काम बाकी है, ये ना मतलब हुआ, इसलिए 20% काम बाकी। इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है 2 डेज में कितना काम करता है, 20%। बी अगर 2 डेज में 20% करता है तो पूरा वर्क मतलब 100% कितने डेज में करेगा, 10 डेज। बी का टाइम आ गया, बी का टाइम आ रहा है 10 डेज, ये बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से ए का टाइम पता चल जाए, पता चल जाएगा कौन स्लोअर वर्क कर रहा है, कितना टाइम कर लेगा। तो भाई 6 दिन की बात हो रही है ऊपर, बी अगर मैं 6-6 दिन की बात करूं, ए का 6 डेज वर्क एंड बी का 6 डेज वर्क, वर्क कितना हो जाएगा, 100। ये तो मतलब है बी 2 डेज में करता है 20%, 6 डेज में कितना करेगा, 60%। ये तो मतलब हुआ, मतलब ए के लिए 6 डेज में कितना आया, 40%, 6 दिन में आया 40%। इसका 20% कितने डेज में आएगा, 3 डेज में। तो 20% अगर 3 डेज में, तो 100% कितने डेज में होगा, 15 डेज में। इसके लिए आ जाएगा 100% की वैल्यू 15 डेज। अभी जो बता रहा हूं मैं वो है यूनिटरी मेथड, कि 40% अगर 6 डेज है तो 80% क्या होगा, 6 6 12, 20% और कितने दिन लगेंगे, 3 दिन और लग जाएंगे, 100% कितना हो गया, 15 दिन। तो ए को लगते हैं 15 दिन और बी को लगते हैं 10 दिन, कौन स्लो काम कर रहे हैं, जो टाइम ज्यादा ले रहा है, जो टाइम ज्यादा ले रहा है, बस हो जाएगा यहाँ से पता चल गया स्लो वर्कर कौन है। स्लो वर्कर यहाँ पे ए है, टाइम ले रहा है 15 दिन, दैट इज माय आंसर। क्लियर, क्लियर अच्छे से एवरीवन? एक कुछ क्वेश्चन अब आपकी शीट से भी करा देते हैं। क्वेश्चन ही गायब है पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 एफिशिएंसी के पहले वाला क्वेश्चन था, जॉन रॉक, एक मिनट जरूर के। कोई नहीं, ये बनाइए, अगला क्वेश्चन इसमें से गायब है, वो मैं करा देता हूँ आपको। जो अच्छा क्वेश्चन है वही में से इसको बनाइए, फिर अगला देख बताता हूँ मैं क्या करना है। क्वेश्चन अभी आप लोग बनाओ, पहले फिर उसके बाद करते हैं।
क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट लाइन में थोड़ा सा कुछ है उन बातों को समझना है। समझ पाए क्वेश्चन क्या है? पलक, कारो, गौरव, आस्था, दिव्यांशु, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन क्लियर है, समझ पा रहे हैं? यस सर। अभी तक तो आंसर्स आए आपके, इसका भी आना चाहिए था। चलो काफी टाइम लगा दिया वैसे। क्या क्या एक बार देख लेते हैं फिर आपसे पूछूंगा। ए कैन कंप्लीट जॉब इन 27 डेज, ही स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज बी जॉइंस हिम। ए स्टार्ट कर रहे हैं और ए 27 डेज में कर सकता है। ही स्टार्ट्स एट एंड आफ्टर 3 डेज बी जॉइंस, मतलब फर्स्ट 3 डेज क्या हुआ है, सिर्फ ए काम कर रहे हैं एंड आफ्टर 3 डेज क्या हो रहा है, ए और बी ज्वाइन कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज और इन्होंने क्या किया, 6 डेज के लिए काम किया, यही दे रखा है। ए देन लीव्स एंड सी टेक्स हिज प्लेस। अच्छा, अब ए की जगह सी आ गया है, मतलब सी और बी काम कर रहे हैं एंड बी एंड सी कंप्लीट द जॉब इन 12 मोर डेज और यहां से ये लोग 12 दिन के लिए और काम किया और इस टाइप से वर्क कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप से वर्क कंप्लीट हो जाता है। आपको अभी तक ये पता है कि ए जो है अकेले इस काम को 27 दिन में कर पाता है, 27 डेज। इफ बी टेक्स एट मोस्ट 54 डेज, ओके ये है बात। एट मोस्ट, इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। 54 तक चल जाएगा, 54 भी ले सकते हैं, 53, 52 कुछ भी ले सकते हैं, बट बी का जो टाइम है वो कभी भी 54 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज चलेंगे, 54 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं लेगा। देन विच आर द फॉलोइंग, देखो क्योंकि बी की वैल्यू फिक्स नहीं है, एक वेरिएबल वैल्यू है, वो 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो, कुछ भी हो सकती है ना। ये बोलते हैं यहाँ पे कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू नहीं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी जो आएगा ना वो वेरिएबल आएगा, कोई फिक्स आंसर तो आएगा नहीं, इसलिए उसका रेंज कुछ डिसाइड हो जाएगा। पूछा क्या, पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई सी टू कम्प्लीट द वर्क। तो सी का जो टाइम आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, भाई ए का तो फिक्स हो गया, सी का टाइम फिर किस पर डिपेंड करेगा, बी का टाइम पे, बिकॉज इन दोनों से ही तो कम्प्लीट कराना है वर्क हमें। तो अगर बी का कम होगा तो सी का बढ़ जाएगा, सी का बी का ज्यादा करोगे तो सी का कम हो जाएगा, इसी टाइप से चलेगा। तो ये दोनों की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, तो अगर बी के लिए कुछ रेंज है तो सी के लिए भी कुछ रेंज आएगा, किसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है और उस रेंज के बाहर कोई वैल्यू होगी जो पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे इनमें से तीन चार वैल्यू, चार ऑप्शन है, तीन वैल्यूज ऐसी होंगी जो पॉसिबल होंगी, एक वैल्यू ऐसी होगी जो पॉसिबल नहीं होगी। आई होप मेरी बात समझ पा रहे, क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोगों को अभी तक जितनी मैंने बताया है, कुछ बात अगर समझ में आई, कुछ स्ट्राइक किया तो डिस्कस करो।
बताओ आरव वर्णव दिव्यांशु आस्था छवि पलक। एक बात बताऊं, मैं बी के लिए मैक्सिमम कितना डेज ले सकता हूं? 54। अगर बी का नंबर ऑफ डेज मैक्सिमाइज कर दो तो सी का नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? 36। अरे कितना हो जाएगा ये नहीं पूछा, क्या हो जाएगा? अगर बी का नंबर ऑफ डेज मैक्सिमाइज कर दो तो सी का नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? किसी ने कुछ बोला था? फिर से बोलिए। देखो बी की वैल्यूज ढेर सारी हैं, 54 से बड़ी नहीं ले सकते। बी की वैल्यू को अगर मैक्सिमाइज कर दूं तो सी की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। वेरी गुड। अगर मैं बी को, तो क्योंकि दोनों की वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है ना, तो अगर इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, या इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। एक दूसरे पे तो डिपेंड करेगी वैल्यू। भाई ए का काम फिक्स है, बाकी काम इनसे कराना है दो लोगों से, तो इन दोनों का टोटल तो फिक्स है, बट इनमें इनका है कितना काम? एक को बढ़ाओ तो दूसरे का काम घट जाएगा, उसी बात को यूज कर रहा हूं। तो मैं इसका मैक्सिमम, तो मुझे पता है कि इसका मैक्सिमम क्या है, 54 डेज। तो पहले मैं एक केस लेके चलता हूं कि बी की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो सी की वैल्यू क्या आएगी। अगर ये देख लो तो शायद पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, अभी तक ए कितने डेज काम किया? सी का टाइम ज्यादा, सी का वर्क ज्यादा आएगा। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम कम आएगा। टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर और क्या कहना चाहते हैं? रेट ज्यादा होगा। हाँ, टाइम और वर्क अलग अलग चीज है। ए कितने दिन काम किया भाई? टोटल 9 डेज। ए कितने दिन काम किया? 9 डेज। बी कितने दिन काम किया? 6 + 12 कितना? 18 डेज। सी कितने दिन काम किया? 12 डेज। पहले अगर आप टाइमलाइन समझो तो ये निकालना सीखो सबसे पहले। ए कितने दिन काम किया है? दिख रहे? बी भले कभी अकेले काम किया, कभी किसी और के साथ काम किया, लेकिन टोटल कितने दिन काम किया? समझ पा रहे? और अगर आपके पास ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं, तो आप ये देख सकते हो सी जो रिमेनिंग वर्क है कितने डेज में करे। निकाल करके बताओ सब लोग। बताएं जरा, ए और बी का काम निकाल सकते हैं? बोलो भाई। ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है बताओ? 27 डेज में। आप अगर चाहो तो यूनिट्स अज्यूम कर लो अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो 9 डेज में ए कितना काम करेगा? 1/3। 9 डेज में कितना काम करेगा? 9/27, मतलब इसने काम कितना किया? 1/3। बी कितना दिन में काम कर रहा है? टोटल वर्क हमेशा 1 लेके चलते हैं। फ्रैक्शंस में 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है, यूनिट्स में जो आप अज्यूम करो वो होता है। बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं आप लोग। बी 18 दिन में पूरा करता है, मैं बी के लिए कितना लेके चल रहा हूं? तो बी के लिए अगर 54 है तो यहाँ पे 18/54 करिएगा,
ये भी दे देगा वन थर्ड। तो अगर वन थर्ड काम इसने किया, वन थर्ड काम इसने किया, तो सी के लिए कितना बचा? तीनों ने वन थर्ड किया, इसका मतलब यही होता सर, सी के लिए भी वन थर्ड बचेगा। अब आप ये देख पाओगे वन थर्ड काम सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो कोई भी पर्सन अगर वन थर्ड काम 12 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 डेज में। तो ये 36 डेज जो आ रहा है वो क्या है भाई? सी की वैल्यू है कब? जब बी मैक्सिमम है, मतलब सी की वैल्यू कांट बी लेस देन 36 डेज। अगर आप यहाँ पे 54 की जगह कोई और वैल्यू रखेंगे तो सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान दो सभी लोग, 54 की जगह मान लो यहाँ पे मैं ये 45 कर देता हूँ, समझिएगा 54 की जगह 45 कर दूंगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बट इसकी वैल्यू, सी की जो वैल्यू है वो 36 से कम नहीं हो सकती, बिकॉज आपने बी की वैल्यू को मैक्सिमम किया। ये बात अगर समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सी की वैल्यू 36 या उससे ज्यादा हो सकती है, बट लेस देन 36 हो ही नहीं सकती, बिकॉज आप बी की वैल्यू 54 से ज्यादा नहीं रख सकते। समझ गए बात को? तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में एक ही वैल्यू है जो 36 से कम है, विच इज 34। ये आंसर हो ही नहीं सकता कभी, बाकी वैल्यूज हो सकती हैं। किस केस में होंगी वो केस बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक्सट्रीम वैल्यूज पता कर लें कि कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाहर की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, बस खत्म हो जाएगी बात। दिस शुड बी माई अप्रोच। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। जल्दी से बताएं सभी लोग, क्लियर है या नहीं? आप यूनिट्स वगैरह अज्यूम करके कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, बट अगर मुझको दिख रहा है कितना कितना वर्क हो रहा है वो वही सफिशियंट है मेरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बाकी लोग बताएं भाई। यस सर। ठीक है, पलक, अर्नव, सॉरी आरव, आस्था, छवि सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं यही समझूंगा कि क्लियर है ना? इसलिए नहीं क्लियर है तो पूछते रहिएगा जरूर। चलिए एक और बेकार से क्वेश्चन देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप से, एफिशिएंसी पर बेस्ड। ये कराने नहीं वाला था, लेकिन जब आपने बोल दिया एफिशिएंसी टाइम और उसमें वैल्यू बोला ना आपने बी के लिए, कंफ्यूजन आई तो मैं जानबूझ के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सो दैट कि ये जो एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी है, जो टाइम वाली जो बात हो, इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, एक बार इसको ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। हालांकि क्वेश्चन तो 1 ही मिनट का। अमित भैया एक पेन दे दीजिएगा। अमित भैया पेन 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 हो गया भाई।
क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम 2 मिनट था ज्यादा ही था। अब बताएं क्या क्या किया। फिर क्या करेंगे उस रेशियो का, नहीं आ रहा ना, इसलिए क्वेश्चन दिया। और इसलिए दिया था बिकॉज आपने पिछले क्वेश्चन में एक लाइन बोली जिसमें आप खुद कंफ्यूज थे, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी कराना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे से डिस्कस करो, शेयर करो जो चीजें आप लोग मन में रखे रहते हो क्वेश्चन के को लेकर के, वो आप मेरे से जब तक बोलेंगे नहीं तो मुझको पता नहीं चलेगा ना क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अभी मैं आपकी शीट में क्वेश्चन सर्च कर रहा था क्या क्या कराऊं ना कराऊं, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया सिर्फ आपकी बात की वजह से क्वेश्चन कराया। इसलिए बोलता हूँ जो आप जितना बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि किस पर्टिकुलर स्टेप पे आपको दिक्कत, तो फिर उन्हीं चीजों पे काम करके उसको क्लियर करा दूंगा। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद कभी गलत नहीं होगा आपसे, ये भी मुझे पता है ना। तो बोलने वाला काम जो है रेलिवेंट चीज है वो बोलने वाला काम आप लोग जरूर किया करो। नहीं बन रहा किसी से? आरव, अनु, पलक, दिव्यांशु, छवि, आस्था, हो पा रहे? सर मैंने डेज निकाल लिए हैं, कितने डेज में काम करेंगे ये लोग? 3 मिनट हो चुका है तब से अभी लोग डेज निकाल रहे हैं, 4थे मिनट में आंसर आएगा। फिर अगर हो गया डेज निकाल लिए तब तो आंसर आ ही जाएगा। नहीं आरव? हाँ सर। और बाकी लोग बताएं भी, पलक, दिव्यांशु, छवि, आस्था, बताना तो पड़ेगा भाई, कुछ तो बोलिए। जब आप बताएंगे नहीं तो हमें समझ ही नहीं आता कहाँ पे दिक्कत डेज निकल गया। क्या कह रहे हैं सर? तीनों के डेज आ गए हैं, कितने कितने दिन? जब डेज आ चुके हैं तो क्या प्रॉब्लम है? पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम बी एंड सी विल टेक टू फिनिश द वर्क, बी और सी को कितना टाइम लगेगा पूछ रहा है। अच्छा यहाँ बस एक इश्यू है, टाइम का अप्रोक्सीमेट टाइम कर दो, इसको लिख लो अप्रोक्सीमेट टाइम। ओ वैल्यूज देख के ध्यान आया, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट टाइम है। आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा और आंसर यहाँ पे ऐसा पूरा इंटीजर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट आंसर करेंगे। समझ के बात को, आया कुछ? एक बड़ी समस्या है भाई, आप अगर नहीं डिस्कस करेंगे सभी लोग तो ये प्रॉब्लम ना ऐसी बनी रहेंगे। मैं 4 क्वेश्चन और दूंगा तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो हाँ, बी एंड सी टुगेदर। ए फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 24 डेज में कर लेते हैं। B is 20% more efficient than A, इनसे 20% ज्यादा efficient है ना? And C is 25% more efficient than B, और C जो है वो B से 25% ज्यादा efficient है, ये आपको पता है। A का time पता है, तो अगर आप किसी तरीके से B का time और C का time अगर निकाल पाएंगे तभी तो together वाला work कर पाएंगे, उसमें दिक्कत क्या? मैं क्योंकि बेसिक की क्लास है नहीं, मैं यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, समझिएगा। अगर आएगा तो बताना, नहीं आएगा तो पूछना। बी इज मोर एफिशिएंट विल टेक लेस टाइम, वन हु इज मोर एफिशिएंट विल टेक लेस टाइम। कितना ज्यादा है एफिशिएंट? 20% मींस 1/5, सो इट ही विल टेक 1/6 लेस टाइम, 1/6 लेस टाइम। इसका 1/6 कितना होता है? 4। He will take 20 days. Is it clear? Is it clear? नहीं clear है तो एक काम करिए, नहीं clear तो एक काम करिए, यहाँ लिखिएगा efficiency, यहाँ लिखिएगा time, यहाँ लिखो A और यहाँ लिखो B। अगर ये 100% efficient है तो ये 120% efficient है, ये मतलब हुआ ना efficiency का ratio क्या हो गया। इसको simplify करोगे ना तो 5/6 बन गया ना। Time का ratio क्या हो जाएगा?
टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका टाइम कितना है 24 डेज, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 20 डेज। क्या कर दिया भाई, 6 यूनिट का मतलब 24 है, तो 5 यूनिट का मतलब क्या हो 20, मैंने वही ना बताया आपको। अब आप लिख के करना चाहते हो अलग बात है। C is 25% more efficient, will take less time. T is 1/4 more efficient, will take 1/5 less time. 1/5 less time, increase decrease सिखा चुका हूँ कई बार। तो हाँ, तो कितना आ जाएगा 1/5 less time, 1/5 time less कर दो इसका, 1/5 is what 4, it will take 16 days. तो B और C का आ गया। अब B और C का काम एक साथ नहीं निकाल सकते क्या भाई, एक ये एक काम को 20 दिन में कर सकता है, एक काम को 16 दिन में कर सकता है, खत्म हो गई बात। यूनिट के थ्रू करना है, देख लो भाई, बी किसी वर्क को 20 डेज में करता है, सी उसी वर्क को 16 दिन में करता है। मैं इनका कॉमन मल्टीपल ले लूंगा, लेट से कॉमन मल्टीपल इज 80, तो मैं अज्यूम कर लूंगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 80 यूनिट्स। इसका पर डे वर्क कितना जाएगा बी का, 4 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। बी सी का पर डे वर्क कितना जाएगा, दोनों एक साथ काम करेंगे कितना हो जाएगा 9 यूनिट्स। 80 यूनिट वर्क कराना है विद द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 9 यूनिट्स पर डे। 9 9 81 होता है अप्रोक्सीमेटली 9 डेज आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने बाद में अप्रोक्स लिखवा दिया था, अप्रोक्सीमेटली 9 डेज आएगा, दैट इज माई आंसर। क्लियर, जितने लोग ऑनलाइन है बताएं भाई। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। यस सर। ठीक है, छवि और आस्था आप लोग हैं उधर? यस सर। क्लियर है अच्छे से? क्लियर है अच्छे से? कोई भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन है या कोई एडिशनल बात आपको इसमें क्लिक करती है जो आपको लगता है कि डिस्कस कर लेना चाहिए, तो वो आप कर लिया करो सभी लोग, तो शायद फिर यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल भी बता पाऊंगा जो अभी तक नहीं बताया, और उसका स्कोप हमेशा रहता है। हाँ सर, अगर सर 20% का मतलब 1/5 होता है, तो सर उसको अगर रेशियो से करके सर फिर इक्वेट करके करें तो? फिर से बोलिए सर। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, तो सर 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो बी 5 होगा और ए 4 होगा सर, 4x। यहाँ पे गलत कर रहे हो, ए को 5 लोगे तो वो उससे 1 यूनिट ज्यादा टाइम लेगा, तब ना 1/5 ज्यादा आएगा। 20% ज्यादा है कौन, ए नहीं बी। दिव्यांशु, स्टेटमेंट को आप वैल्यू से रिलेट नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। ये जो लाइन लिखी हुई है, हु इज मोर एफिशिएंट, बी बाय व्हाट परसेंट, 20% इज व्हाट 1/5, तो बी इज 1/5 मोर एफिशिएंट देन, तो 1/5 कहां से निकालना है, ए से, तो ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 या ए मस्ट बी 5, आप 5 ले सकते हो। ए इफ आई से कि ए इज 5, तो उसका 1/5 कितना हुआ 1, तो बी विल बी व्हाट 6, तो वो जो 5/6 आएगा दैट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, आप उसके थ्रू फिर टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। तरीके बहुत है अभी करने के। उधर 6 आ जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बट ये 5/6 जो होगा किस चीज का रेशियो है, एफिशिएंसी का। फिर आप क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकाल। बहुत लोग क्या करते हैं वही बता देता हूँ, ये तो मेरा तरीका था, और बता देता हूँ। कुछ लोग ये करते हैं ए और बी है ना, अगर ये 100% है तो ये 120% है, विच इज 5/6, वही बात आ गई जो आप बोल रहे, वही बात आ गई ना जो आप बोल रहे थे, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/6 हो गया। ठीक, मैं सीधे यहाँ पे 5/6 लिख देता हूँ, 5/6 लिख देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं फिर बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, तो अगर ये 4 होगा तो 5 आएगा, तो लिख लेते 4:5। फिर उनके दिमाग में आता है क्योंकि हमें कॉमन रेशियो निकालना आता है, तो निकाल लेंगे, ए बी सी का कॉमन रेशियो निकाल लेंगे।
5 4 20 6 4 24 6 5 30 कुछ कॉमन है तो निकाल। हाँ तो ए बी एंड सी 10 12 and 15 दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो। बट मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम का रेशियो निकालेंगे, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्या करेंगे, रिवर्स नहीं करना है, इनवर्स करना है, जानबूझ के मैं पूछा। आप क्या कर रहे हो, 15 12 and 10 कर रहे हो। हाँ पढ़ा है ना हम लोग ने स्कूल में, इनवर्स का मतलब क्या होता है, पावर माइनस वन, वो होता है इनवर्स करना। जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ऊपर लेकर उसके पावर माइनस वन कर देता है, ये तो करते थे। तो मुझे इसका इनवर्स करना है या रिवर्स करना है, बस ये बताते। इनवर्स करना सर, इसका इनवर्स वेरिएशन होगा। तेज बोलिए फिर से दिव्यांशु। इनवर्स वेरिएशन होगा, 1/10 is to 1/12 is to 1/15। हाँ वो इनवर्स होता है, और जल्दीबाजी में लोग रिवर्स कर जाते हैं, वो मैं बता रहा, रिवर्स करना गलत होता है। दो में रिवर्स करो या इनवर्स करो फर्क नहीं पड़ता है, बट तीन में रिवर्स करो अलग मतलब है, इनवर्स करो एक अलग मतलब है। ठीक, तो जब आप इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। आप यहाँ क्या लिखोगे, 1/12, 1/10, 1/12, 1/15 डिनोमिनेटर हटाना है, कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है सबका, 60। चलो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। टाइम का रेशियो देखो क्या आ रहा है इसके लिए, 6 यूनिट आ रहे हैं, यहाँ कितना आ रहे, 5 यूनिट, यहाँ कितना आ रहे, 4 यूनिट। इसका एक्चुअल टाइम कितना है, 24 डेज, 6 का मतलब है 24, 5 का मतलब क्या होएगा, भाई 4 टाइम्स ही तो हो रहा है, 5 4 20 4 5 50 4 4 16 हो गया, सबका टाइम आ गया। मैं वही ना निकाला था, उसके लिए मैं इतना लिखूंगा जब मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है आएगा। मैं क्या बोल रहा, तरीके और भी हैं भाई, तरीके हो सकते हैं, कॉमन रेशियो निकाल के करूँ, दो दो को अलग निकाल के करूँ, है ना, इंक्रीज डिक्रीज देख लूँ, इक्वेशंस लिख लूँ, मल्टीपल्स लिख लूँ, कुछ भी करूँ, तरीके बहुत हैं। सबसे आसान क्या है, अगर आप डायरेक्टली देख पाओ कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, आप उसके थ्रू उनका टाइम निकाल सकते हो तो बड़ा आसान है, अदरवाइज टाइम लगाओ लोगे जितना लगाओ, कम ही पड़ेगा। नहीं समझे बात सभी लोग, और अगर क्लियर है बहुत अच्छे से तो बताएं। और अभी भी कोई चीज अगर आपको लगता है कि इसमें एडिशनली हो सकती है, कुछ और भी हो सकता था, वो आप डिस्कस कर लो भाई। इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत जगहों पर देखा है मैंने, स्पीड टेस्ट वगैरह में खूब आता है, कभी कदर अच्छे पेपर्स में भी आ जाता है, भरोसा नहीं तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी डज इन 1/6 ऑफ द टाइम। आप अगर सभी लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का मतलब अगर बता दें तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे बन सकता है। बस ये लाइन का मतलब चाहिए, आगे तो मैं बाद में पढ़ूंगा। फिर क्या कहते हैं, इफ टुगेदर दे टेक 20 डेज, तो ए एंड बी टुगेदर 20 डेज आपको ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कम, तो बी का टाइम कितना आएगा ये पता कर। ये तो बात की बात है, बट पहले ऊपर जो दिया हुआ है, इस लाइन का मतलब बता दे मेरे को, आप लोग 2 मिनट का टाइम लो, सिर्फ इस लाइन को समझने के लिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और एक बार अगर समझ में आ जाए इसका मतलब, है ना, तो फिर दूसरे क्वेश्चंस में इस पर्टिकुलर टाइम लाइन के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच के बताओ मेरे को सभी लोग, बताओ जो भी समझ में आ रहा है उसका मतलब। कितने टाइम, किसका टोटल टाइम नाम लेकर के, बी का जो टोटल टाइम है तो मतलब दोनों के लिए 1/6 टाइम ले रहे हैं, ए के लिए भी बी के लिए भी, टाइम तो कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो फिर क्या होएगा, वहीं से एफिशिएंसी भी आ जाएगी।
थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है यार, गड़बड़ है अभी, दोबारा देख, बाकी लोग भी देखे, मुझे सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कराऊंगा मैं। सर टोटल टाइम के वन पार्ट में, टोटल टाइम किसका? टोटल वर्क, अरे टोटल टाइम किसका, ए का, बी का या दोनों का, किसकी बात कर रहे हो? फिर से बोल अपनी बात। जो टोटल वर्क बी ले रहा है सर, उसका हाफ वर्क ए 1/6 टाइम भी कर रहा है। कौन सा 1/6? उसका 1/6 टाइम है वो, बी के टाइम का, बी अपने टाइम में जितना वर्क करेगा उसका हाफ वर्क करेगा, ये बोलना चाहिए। अभी आप सही हो, अभी आप सही हो, जैसा लिखा हुआ पढ़ा के लगता है बात बी के लिए बोल जा रहे। दो बातें हैं यहाँ पे समझिएगा सभी लोग, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, तो मैं ये वर्क लिख देता हूँ या एफिशिएंसी जो भी है, मतलब अगर बी दो यूनिट काम करता तो एक ए एक यूनिट काम करता है, बट टाइम अलग अलग दे रखा है, टाइम अलग अलग दे रखा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। अगर आप स्टेटमेंट को सही से देखें, कहीं कॉमा वॉमा नहीं लगा हुआ है ढंग से, एक ही मतलब सीधे सीधे लिखा हुआ है कहीं पे, मतलब अलग अलग स्टेटमेंट भी नहीं है। अगर आप कंटिन्यूएशन में पढ़े इस चीज को, A does half as much work as B in 1/6 of the time, तो 1/6 of the time A के लिए बोला गया है, ना कि B के लिए बोला गया। थोड़ा सा स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम आती है जल्दीबाजी में, सही से दोबारा पढ़ो सब लोग, 1/6 of the time किसके लिए बोला गया? एवरीवन तो B के लिए लग रहा है, B के लिए लग रहा है, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, ए के लिए बोला गया, ए 1/6 टाइम में बी के वर्क का आधा काम करता है, ए अपना 1/6 टाइम में, बी ने अपने टाइम में जितना काम किया सो किया, और ए अपने 1/6 टाइम में उस वर्क का आधा काम करता है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। बी ने अपने टाइम में जो भी काम किया दैट इज 2 यूनिट, ए ने लेकिन अपने 1/6 टाइम में जो काम किया दैट इज 1 यूनिट। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, समझो सभी लोग दोबारा, कंफ्यूजन है तो डिस्कस करो। कई बार लैंग्वेज का गेम हो जाता है क्वेश्चन और जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है, बताओ भाई सभी लोग। और एक बात और, जब आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? टाइम को सेम करके निकालते हैं, टाइम को सेम करके निकालते हैं, कि जब आप बोलते ना ए का वन डे वर्क कितना है, बी का वन डे वर्क कितना, तभी तो पता चलता है उनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना। आप क्या करते हैं, टाइम को सेम कर देते तो आपको पता चलता है। बताओ भाई क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ए अपना 1/6 टाइम में, यहां पे मेंशन कर लो, 1/6 टाइम में, अपने 1/6 टाइम में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो ए पूरा जो अगर हम देखा जाए अपना पूरा अगर टाइम लेगा है ना, तो अपने पूरा टाइम में कितना काम वर्क करेगा वो, तो यहाँ पे 1/6 हो जाए, तो इनका जो वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो आएगा क्या हो जाएगा, 6/2। सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, 2:1। दिस इज देयर रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, इस बात को समझना है, बस इसी स्टेप पे हम लोग अटकते हैं, समझे मेरी बात? Is it clear to everyone? भाई yes. Clear है? ठीक? तो अब अगर देखो, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, फिर आपको इसका मतलब कायदे से बताता हूँ, ठीक? तो अगर इसका 3 यूनिट है पर डे वर्क, इसका है 1 यूनिट पर डे वर्क, अभी बेसिकली क्या किया है, इसका 1/6 टाइम है और इसका पूरा पूरा टाइम है। अब समझिएगा मैंने क्या बोला, टाइम बराबर ही तो करना है, तो टाइम अगर आपको बराबर करना है, इसने जितना भी टाइम लिया उसका 1/6 टाइम किसने लिया है? ए ने, यही तो स्टेटमेंट बोला है, इसने जितना टाइम लिया है उसका 1/6 टाइम लिया है ए ने,
अच्छा मेरे से बोलने में गलती होती है, सॉरी, मतलब वही है, बी ने जितना भी टाइम लिया है उसका 1/6 टाइम किसने लिया है, ए ने, अभी सही जा रहा है। तो अगर ए को बी के बराबर टाइम लेना है तब क्या करिएगा, ए का टाइम 6 गुना करेंगे, ये तो मतलब हुआ, ए का टाइम क्या कर देंगे 6 गुना कर देंगे, ताकि क्या हो जाए दोनों का टाइम बराबर हो जाए। भाई देखो सिंपल से मतलब है कि अगर इसने 6 घंटे काम किया तो उसने 1 घंटा काम किया, 1/6, ये 6 घंटे में मान लो 2 यूनिट काम करता तो ये 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, अभी सही समझ में आ गई बात। अब अगर मैं इसका टाइम दोनों का टाइम को बराबर करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा, समझ गए, क्लियर है? तो थोड़ा सा मेरे से बोलने में स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया था, मतलब क्लियर था लेकिन स्टेटमेंट बोलने में गड़बड़ हो गई। इसका सिंपल सा मतलब हमें क्या करना, दोनों के टाइम को इक्वेट करना है, इसने 6 यूनिट टाइम लिया लेकिन इसने 1 यूनिट टाइम लिया है, टाइम को क्या करेंगे बराबर, और जब टाइम बराबर हो जाएगा तभी तो एफिशिएंसी का रेशियो आता है। अभी तो बताया मैंने आपको कि आप जब लिखते हैं ए का वन डे वर्क, एक दिन का काम 4 यूनिट, बी का वन डे वर्क 1 यूनिट, तभी तो बोलते हैं फोर्स टू वन का रेशियो, कब, जब आप टाइम को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। अभी टाइम क्या है, अलग अलग है, इसका टाइम कितना है 6 यूनिट, इसका टाइम कितना है 1/6। आप बस ऐसे कर लो समझने के लिए कि ये वर्क हो गया और यहाँ ऊपर लिख लो टाइम, अब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ऊपर लिख लो टाइम, इसका का टाइम 6 है तो इसका टाइम क्या है 1। अभी समझ में आया, अब स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे से। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी डज इन 1/6 ऑफ द टाइम, समझ गए? टोटल हटा दो, उसको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है सही बात बट कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन को दूर करना है। क्वेश्चन में दो बातें हैं, क्वेश्चन में एफिशिएंसी भी, क्वेश्चन में टाइम भी है। टाइम की बात करो तो ए कितना टाइम ले रहा है 1/6, बी का टाइम हो गया उसका 6 गुना, समझ गए? अगर एफिशिएंसी की बात करो तो ए कितना वर्क कर रहा है 1, बी कितना वर्क कर रहा है 2, यही दो बातें हैं ना, हाफ एज मच वर्क एज बी मतलब बी 2 है तो ये 1 हो जाएगा। टाइम की बात करो तो ए के लिए 1/6 है, इधर कितना टाइम है 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे स्टेटमेंट से, सभी लोग बताएं भाई। फिर मैं क्या करूंगा, ये एक्चुअल टाइम तो है नहीं, मैं टाइम को बस बराबर करने की कोशिश करूंगा, टाइम अगर बराबर हो गया तो क्या होएगा, तब आप एफिशिएंसी का रेशियो बता पाएंगे। मैं अगर टाइम को बराबर करूं तो मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम बराबर हो गया, तो 6 गुना टाइम में 6 गुना ज्यादा, 6 गुना काम करेगा ये, तो इसका काम हो गया 6 यूनिट, इसका काम हो गया 2 यूनिट, 3:1 का रेशियो आ गया ये। अगर इसी को मैं इनका वन डे वर्क मान लूं, समझिएगा, ए का जो वन डे वर्क है वो 3 यूनिट ले लूं, 3 यूनिट पर डे, बी का वन डे वर्क ले लूं 1 यूनिट पर डे, समझ गए बात को, तो दोनों एक साथ कितना काम करेंगे 4 यूनिट्स पर डे, दोनों एक साथ कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं 20 डेज में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास, यही से समझो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 × 4 कितना आ गया, आपको ये पता चल गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 80 यूनिट। बी कितना वर्क कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट वन डे, 80 यूनिट्स 80 डेज बी का काम आ जाएगा, समझ गए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं दोबारा दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, शुरुआत से बोलने में गड़बड़ हो रही थी, मतलब क्लियर था मेरे को, बताएं भाई सभी लोग अच्छे से क्लियर है? यस सर। पलक आरो वर्ण वास्ता सभी क्लियर करें भाई, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसी पर बेस एक और क्वेश्चन देता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज बदल रहा हूँ, है ना, अब आपको समझना होगा ढंग से, कायदे से लिखेंगे तो जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन बदल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे ए है, ए डज 2/3 ऑफ द वर्क, ये हाफ एज मच वर्क की जगह मैं बोल रहा हूँ, ए डज 2/3 ऑफ द वर्क, व्हाट 2/3 ऑफ वर्क व्हाट बी डज, है ना, समझिएगा, ए डज 2/3 ऑफ द वर्क व्हाट बी डज इन 2/5 ऑफ द टाइम, समझ गए, स्टेटमेंट थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर रहा हूं, ए डज 2/3 ऑफ वर्क व्हाट बी डज इन 2/5 ऑफ द टाइम, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? अभी बोलता है ए टेक्स 30 डेज टू कंप्लीट, आगे का स्टेटमेंट हटा देते हैं,
इफ इसे हटा दो अभी, इफ ए टेक्स 30 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, हाउ मच विल दे टेक टुगेदर टू डू इट, तो ए और बी एक साथ कितने डेज में करेंगे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में बदल दिया, इस बार लास्ट में बदल दिया, तो बेसिकली स्टेटमेंट जो पहला है वही अपने यूज कर, ए डज 2/3 ऑफ वर्क व्हाट बी डज इन 2/5 ऑफ द टाइम, तो आप ए और बी को मेंशन करिए, ऊपर टाइम के लिए लिख लो और नीचे इनका वर्क या उनकी एफिशिएंसी के लिए लिख लो, तो शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक, ए डज 2/3 ऑफ वर्क मतलब क्या है, ए कितना बी कितना, 2/3 ऑफ द वर्क व्हाट बी डज, बी का 2/3 काम करता है, मतलब क्या हुआ ए भाई बोलो, टाइम हटा दो अभी, ए डज 2/3 ऑफ वर्क व्हाट बी डज, हाँ ठीक है, तो रेशियो कैसे लिखोगे, 2:3 2:1 लिख दूंगा, समझ रहा हो, तो तब तो ये हो जाएगा ए डज ट्वाइस ऑफ वर्क ऑफ बी, स्टेटमेंट ही बदल दे रहा, ए डज व्हाट ए डज 2/3 ऑफ व्हाट बी डज, जो बी काम करता है उसका 2/3 काम करता है ए, 2/3 अभी सही है, 2/3 2 out of 3, तो इसका 3 है तो इसका 2, ये है इसका मतलब, 2/3 तभी ना आएगा, क्या कर दिया था फिर स्टेटमेंट, मैंने पहले बोला स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, सही से समझना होगा, तो ए डज 2/3 ऑफ व्हाट बी डज इन इन, आगे भी बात बाकी है, इन 2/5 ऑफ द टाइम, मतलब इसका टाइम और इसका टाइम, इसका टाइम 5 मिनट, इसका टाइम 2 मिनट, अभी समझ गए, अभी समझे बात को, सभी लोग बताएं भाई, क्लियर है, यस सर, इन 2/5 ऑफ द टाइम, तो इसका टाइम 5 मिनट होता है, इसका टाइम 2 यूनिट होना चाहिए, मुझे क्या करना होता है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए, टाइम को सेम करना पड़ता है, टाइम को सेम कैसे बनाओगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, टाइम कैसे सेम बनाओ, इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 10 यूनिट, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 यूनिट, सिंप्लीफाई करो भाई, 10 और 6 है तो 5/3 बन जाएगा, तो मैं अगर बोलूं कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या है फॉर ए एंड बी, तो आप बोलेंगे सर दिस रेशियो इज 2/3, फिर मैं पूछूं इनका टाइम का रेशियो क्या होगा, तो यू विल से सर 3/5, क्लियर, यही ना बोलेंगे 3/5, ठीक, अब एक बात बताओ, ए का टाइम कितना है, ए का टाइम कितना दिया मैंने 30 डेज, तो बी का टाइम कितना आ जाएगा भाई, 3 यूनिट का मतलब 30 डेज, तो 5 यूनिट का मतलब व्हाट 50 डेज, क्या पूछा मैंने बताओ, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा बता दो, तो हो ही जाएगा, अब यूनिट्स के थ्रू कर लो, फ्रैक्शंस के थ्रू कर लो, परसेंटेज के थ्रू कर लो, जो अच्छा लगे वैसे कर लो, लेकिन कर लो भाई, समझ गए सभी लोग, कंफर्म करें इस बात को, यस सर, यस सर, गुड, तो जब मैं आगे का काम नहीं करा रहा, आई होप ये तो कर ही लेंगे, कि ए का काम मिल गया, बी का काम मिल गया, टुगेदर वाला वर्क निकालो, हो पाएगा सैफ, बाकी लोग बताएं, पलक, आरव, अर्णव, दिव्यांशु, छवि, आस्था, सभी को क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक है, गुड, तब मैं इस पर्टिकुलर वैरायटी से हट रहा हूँ, वैल्यूज ही बदलेगा, स्टेटमेंट नहीं बदलेगा, स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा, फिर जो अच्छा क्वेश्चन होगा, चले कोई बात नहीं,
एक ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वेजेस, मतलब वर्क कर रहे हैं तो वर्क के अकॉर्डिंग कुछ पैसा मिल रहा है उस पर बेस्ड। और क्योंकि ये एक्चुअल लाइफ का क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि अगर दो मजदूर काम करते सबको बराबर मजदूरी देनी है, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, भले कोई कितने भी टाइम दे। आप जो काम करेंगे पैसा आपको उस काम का मिलेगा। आप एक उसी काम को 50 दिन में करो, उसी काम को 1 दिन में करो, काम उतना ही किया ना, पैसा उतना ही मिलेगा। समझ गया बात को, क्लियर है? उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। पढ़ो जरा, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट बहुत है वैसे तो, बनाओ। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए। हो जाए तो बताइएगा। सर 345 रुपीज। 345। ओके, आंसर पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हो गया सैफ, बाकी लोग बताएं भी। अजय विजय एंड संजय आर एम्प्लॉयड टू डू पीस ऑफ वर्क फॉर ₹529। अजय विजय और संजय, ये सभी लोग काम कर रहे थे, जो टोटल अमाउंट है वो है ₹529। तो इसमें से कुछ शेयर अजय का है, कुछ शेयर विजय का है, कुछ शेयर संजय का है, यही ना मतलब। वो अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क। तो अजय और विजय जो हैं, ये लोग अगर काम करते हैं तो 19/23 ऑफ द वर्क ये लोग कर देते हैं। इस लाइन का कुछ मतलब निकल के आता है, समझते क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क है टोटल वो कितना होता है, 1 यूनिट, 1/1। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 23 है, तो मैं अगर टोटल वर्क को, समझिएगा, अगर 23 आउट ऑफ 23 बोल दू तो बनेगा ना, वही मतलब। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि टोटल काम 23 यूनिट है, तो उसमें से अजय विजय कितना कर देता है, बचा कितना, वो कौन करेगा? तो आप ये बोल सकते इस स्टेटमेंट के थ्रू, संजय जो है 4/9 23 यूनिट ऑफ काम कर रहा है। बोल सकते हैं, यही ना होगा इसका मतलब? किसी ने कुछ मैसेज किया, ठीक है, आरोप देखते हैं। फिर ये बोलता है, विजय एंड संजय टुगेदर, विजय और संजय की बात करूं तो ये लोग कितना काम करते हैं,
8/23 ऑफ द वर्क करते हैं। तो अगर आप इसके थ्रू देखें तो विजय और संजय ने कितना काम कर, तो 23 में से 8 यूनिट तो ये लोग कर देते हैं, तो बचा कौन, कितना काम कर देगा, तो आ जाएगा काम 15/23। पूछ किसके लिए रहा है, तो मेरे को तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी थी, तो यही सा जाता है अजय 15/23 यूनिट काम कर रहा है, तो जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, तो 529 का इतना वर्क कर दीजिए, इतना पार्ट, ये 23 टाइम्स ही जाएगा, 15 × 23 इज व्हाट, मल्टीप्लाई करके बता दो, 230 और 165 दोनों का सम कितना हो गया। कितना आ रहा है प्रोडक्ट, 345 पक्का प्रोडक्ट यही आ रहा है, यस सर, सेफ, तो आंसर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, समझ में आ गई बात, ऐसे ही किया था, यस सर, गुड, चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ जो किसी एग्जाम में पूछे गए, तो मैं डिनोमिनेटर सेम बनाता, डिनोमिनेटर सेम बना दो तो आउट ऑफ इक्वल वैल्यू हो जाएगा, तो आसानी से कंपेयर कर, अलग अलग भी दे सकता है, बड़ी बात नहीं, अगर अलग अलग देगा तो डिनोमिनेटर सेम बना लो कुछ मल्टीप्लाई करके, रुकिएगा, जैसे एक क्वेश्चन, हालांकि कैट का है बट कैट और आईपीएम में कोई डिफरेंस नहीं है, पॉइंट्स में तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन जैसे अगर कैट में आ चुका तो आईपीएम में भी इस टाइप के आने के चांसेस रहते हैं हमेशा, एक बार जरूर देखो उसको, दो से तीन मिनट, इससे ज्यादा लगता है तो बेकार है।
हो गया। हो गया भाई आंसर सभी का आ गया। आर ओवर नो दिव्यांशु पलक छवि आस्था एनी आंसर। चलिए कोई बात नहीं, क्या कह दिया भाई। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज। अनिल किसी हाउस को 60 डेज में पेंट कर सकता है। विमल कैन पेंट इट इन 84 डेज, 84 डेज में पेंट कर सकता है। ठीक, अनिल स्टार्ट पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज विमल एंड चारू ज्वाइंस हिम। Anil started the painting alone. He painted it for 10 days. And after 10 days, he is assisted by Bimal and Charu. Together, they complete the painting in 14 more days. More days ka matlab kitna tha? After 10 days or. So 14 days, the next 14 days hain, usme A, B, C, A, tino kaam kiya. ABCA तीनों काम किया सर। बी ऑप्शन। क्या उतनी देर से वेट कर रहे थे? क्या किया सर, था बी आएगा। बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? सर मेरा भी आ गया सर, था बीच में कैलकुलेशन एरर हो गया था। तो ये तो कभी भी हो सकता है, एग्जाम टाइम पे भी हो सकता है। तो भाई ऐसे मतलब ह्यूमन एरर से होती है, इसलिए बोला जाता है कि खूब ढेर सारे मॉक्स वगैरह दो ताकि जो गलतियां अभी हो रही आगे ना हो, है ना। मॉक्स वगैरह जो दे रहे होंगे उसमें टाइम वगैरह का ध्यान रख के अच्छे से मार्क्स दीजिएगा सभी लोग सीरियसली। चलो, इफ दे आर पेड टोटल ₹21,000 और जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट इज ₹21,000, देन द शेयर ऑफ सी मतलब चारू इन INR प्रोपोर्शनेट टू द वर्क डन बाय हिम। तो सी को कितना पैसा मिलेगा पता?
सीख ले तो बताए नहीं सी कितने दिन में काम करता है, इसलिए लोगों को कई बार लगता है शायद इसका आंसर नहीं आ सकता, बट ऑप्शंस में ऐसा कुछ है नहीं, आंसर है तो आंसर आएगा। हम ये देख सकते हैं कि ए और बी गिवन नंबर ऑफ डेज में कितना कितना काम कर रहा है। अभी तक मैं अगर एक देखने की कोशिश करूं ए कितने डेज काम की, 10 दिन या 14 डेज, ए ने काम किया 24 डेज, ठीक है, और बी ने कितना काम किया 14 डेज। कैसे करना पसंद करेंगे, फ्रैक्शंस में करना पसंद करेंगे, यूनिट्स में करना पसंद करेंगे, जो अच्छा लगे वो बताओ। यूनिट्स के थ्रू तो यूनिट्स के थ्रू करेंगे तो आप 60 और 84 के कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं, 420 यूनिट्स पे जाएंगे। हाँ तो अगर आप देखेंगे ए का वर्क 24 डेज में कितना आएगा तो बोलेंगे 24/60 आएगा, बी हो जाएगा 2/5 वर्क इसने कर दिया। फिर आप देखेंगे बी का वर्क तो बी कितना कर रहा है 14/84 कर रहा है, कितना हो गया ये 1/6 ये कर रहा है। अब अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि आगे क्या करना है तो एक काम करो भाई, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो और इसमें, समझ गए, तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये 12/30 और ये क्या बन जाएगा 5/30। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 यूनिट में से 12 यूनिट काम कौन किया, ए ने। 30 यूनिट में से 5 यूनिट काम कौन किया, तो 12 5 17 17 यूनिट काम तो ये लोग कर रहे हैं, तो सी के लिए कितना बचा 13 यूनिट्स बचा आउट ऑफ टोटल पैसा कितना है सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 9100। दैट शुड बी द आंसर। क्या दिक्कत क्या है, तो अलग अलग हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको परसेंटेज में कर सकते हो, यूनिट्स के थ्रू कर सकते हो, या सेम बना लो तो बड़ा आसान दिख जाता है। तो अपने कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप उसमें कैसे आसान बनाना चाहते हो, मेरे को जो अच्छा लगता है वो करता हूं, नहीं समझे बात को, नहीं तो मैं दोनों को क्या करता भाई 2/5 1/6 जोड़ लेता, फिर जो बचा परसेंटेज में थोड़ी देर के लिए हटता, और फिर जो बचता वो फिर मैं सी से कराता, परसेंटेज में जाऊंगा 2/5 मतलब 40%, इसने 40% काम किया, इसने 16.66% किया, 56.66% हो गया, कितना बचा, कितना बचा 43.33% काम बचा, तो 40.33% का पैसा मिलेगा, तो आप इसका 43.33 निकालेंगे, और 43.33% जो होता है उसको सही से लिखो ना तो ये 43 1/3 होता है, आप अगर ऐसे लिखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ऐसे लिखोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हम सिर्फ 3-3 लिख के छोड़ देते हैं, तब ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ऐसे करोगे तो पूरा पूरा देगा, तो आप ये जो 21,000 उसका इतना परसेंट निकाल दो, नहीं क्लियर, अभी क्लियर है, बहुत समझ गए। ऐसा एक और दे देते हैं, ये बना दो भाई, देख लो भाई सब लोग बताओ,
3000 आपका भी आ रहा है, वेरी गुड सर, 3000 मेरा रूल, गुड, चांसेस हैं करप्ट होने के, देख लेते हैं सर। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज, वरुण कैन पेंट इट इन 16 डेज, अनिल वरुण एंड चंदू लगभग सेम क्वेश्चन हो गया, अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर ₹24,000, जो अमाउंट है पूरा पेंटिंग के लिए वो है ₹24,000, ठीक है, एंड थ्री ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज, तो मतलब इन तीनों ने मिल करके 6 डेज में पेंटिंग कर डाली है भाई। हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, 6 दिन में इसका कितना काम आएगा, 6/12, 6 दिन में इसका कितना काम आएगा, 6/16, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लो, हाँ तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पे दिस इज व्हाट 1/2, दिस इज व्हाट 3/8, तो क्या मैं इसको 8 बना सकता हूँ और क्या मैं इसको 4/8 बोल सकता हूँ, 4/8 ये कर देता, 3/8 ये कर देता, बचे कितना, ये 1/8 काम कर रहा है तो 1/8 का पैसा दे दो भाई, कितना आ गया, अब एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाने से हमारी कैलकुलेशन बच हो जा रही है और डायरेक्टली दिख जा रहा है कितने कितना काम, चलो समझ में आ गया सभी को, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो एक बार और बता सकता हूँ, क्लियर है अच्छे से, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पाइप कंसिस्टेंट के एक आध क्वेश्चन करा देते हैं, बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ वर्क इसमें कोशिश ये कर रहा हूँ इस टाइप से क्वेश्चंस का ऑर्डर रखूं कि हर एक वैरायटी कवर हो जाए, एक मिनट, हाँ कुछ बचे ना हम लोगों से, इसको बनाना सिंपल है, फिर इसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद इससे बेटर क्वेश्चन दूंगा आपको,
ऑप्शन सी सी ओके कहाँ तक गया साफ फर्स्ट लाइन समझ में आती क्या है ठीक है ये अकेले भरेगा तो 20 मिनट में फिल कर सकता है दूसरा चलेगा तो वो 40 मिनट्स में फिल कर सकता है ये बोलता है बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एक बात बोला कि दोनों एक साथ चल रहे हैं देन आफ्टर हाउ मच टाइम वन शुड क्लोज वन जो है वो इसमें बी है ना है ना बी शुड बी क्लोज्ड है ना ये तो है सो दैट द टैंक इज फुल तो बी कुछ टाइम ही तो चला पूरा टाइम नहीं चला बट पूरा टाइम कौन चला क्वेश्चन बेसिकली है क्या स्टेटमेंट सिंपल से हम लोग समझ नहीं पाते हैं आप लोग बिना का टाइमलाइन बनाने अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की जरूरत नहीं टाइमलाइन को विजुलाइज करना है ऐसा जो है थोड़ा कि सजा सजा के लिखना है विजुलाइज करना है दोनों एक साथ चल रहे हैं ए और बी बोलता है आफ्टर व्हाट टाइम बी शुड बी क्लोज मान लो इस पॉइंट पर इधर ध्यान देंगे मान लो इस पॉइंट पर बी को क्लोज कर दिया तब कौन चल रहा है तो यहाँ पे दोनों कितनी देर तक एक साथ चले बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है बेसिकली ये पूछ रहा है कितनी देर तक के लिए भी चला और फिर क्या हो जाना चाहिए पूरा टाइम कितनी देर भरना चाहिए 16 मिनट में भरना चाहिए ये तो है कैसे करना चाहोगे यूनिट से फ्रैक्शन से परसेंटेज से यूनिट से करना चाहिए चलो यूनिट से तो अगर मैं बोलूं दोनों का कॉमन मल्टीपल 40 लीटर पानी आता है तो आप बोलोगे हर एक मिनट में 2 लीटर भरता है और हर एक मिनट में 1 लीटर भरता है ये तो मतलब हुआ 16 मिनट का टाइम दिख रहा है ये 16 मिनट तक कौन चला है तो ए जो है वो 16 मिनट में कितना भर देगा तो मेरे पास कितना बच गया कौन भरेगा कितना देर चलेगा ये मिनट्स कर लो हो गया खत्म ये नहीं आ रहा था अब आ गया कुछ डिफिकल्ट नहीं है मैं एक बात बताऊं आपको आप दुनिया के कोई बुक उठा लो और दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो ये जो पूरा अभी मैं सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ हालांकि ये बात किसी भी टॉपिक पे अप्लाई होती है कॉन्सेप्ट तो यही है ना कॉन्सेप्ट से ही रहेंगे बट इन्हीं कॉन्सेप्ट को लोग अलग अलग टाइप से यूज करेंगे और बेसिकली वो होता ही है कि जो स्टेटमेंट्स हैं जो उनका इंटरप्रिटेशन होता है वो आपका कैसा है क्वेश्चन उस डायरेक्शन में चला जाएगा जो मेरे समझ से जो आज तक जो मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से जो समझ में आया है उसका सिंपल से एक ही फंडा है आप क्वेश्चन को कितना अच्छा से समझते हैं समझ रहे हैं आपका लिखने का तरीका उतना अच्छा हो जाएगा लिखते लिखते आंसर आने लग जाएगा जितना अच्छा आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका होगा हर स्टेटमेंट में कोई ना कोई बात होती है उस स्टेटमेंट के थ्रू उसका ट्रांसलेशन की बात नहीं करता मैं कि बताओ क्या समझ में आया मतलब क्या एडिशनल समझ में आया वो स्टेटमेंट होता क्या मैथ्स में हर एक बात को छुपा करके बोलता है सीधा बोल देगा तो बन जाएगा ना वो कुछ बातों को छुपाने की कोशिश करता है स्टेटमेंट्स के थ्रू और हमें उन्हीं को डिकोड करके उसको बाहर निकालना है वो काम आपने कर लिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही है चाहे दुनिया की कोई भी बुक उठा लो हर बुक में अलग नया कॉन्सेप्ट थोड़ा आ जाएगा और जो भी बुक्स लोग लिख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स का ही जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट उन्हीं को उठा के बुक में डाल दिया आज के डेट में बता दो एक कोई बुक का ऑथर जिसने कोई नया कॉन्सेप्ट निकाल के बुक में डाला हो और उसके नाम पे वो थ्योरम बन गई हो पाइथागोरस थ्योरम क्यों पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है क्योंकि पाइथागोरस ने उसको इन्वेंट किया बनाया था आज के डेट में क्या कोई है ऐसा नहीं है सब सिर्फ उठा उठा करके रख रहे हैं तो बुक कोई भी उठा लो लोग कहते हैं सर कौन सी बुक अच्छी है बुक सब एक जैसे कोई बुक अच्छी खराब नहीं उसका एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा दिया दैट इज द इम्पोर्टेंट नहीं समझे बात को कहीं का स्टडी मटेरियल कहाँ का अच्छा है भाई आता ना स्टेटमेंट कि वहां का बड़ा अच्छा अरे अच्छा बुरा कुछ नहीं है उसको कितने अच्छे से समझाया है दैट इज दैट शुड बी योर मतलब कि ये चीज ही देखना चाहिए आपको और फिर डिसाइड करना चाहिए ये अच्छा है कि खराब है नहीं समझे बात ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है इजी क्वेश्चन है बट आप कैसे देखते हो डिपेंड उस पर करता है थोड़ा बहुत इन बातों पर ध्यान दें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को सही से समझना अच्छे से समझ ले गए आपका 50% काम यही हो गया है ना चलो एक
एक आध क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। अच्छा रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा, शीट से देखने दो, मुझे क्वेश्चन मैच कराना पड़ा रहा बेसिकली। ट्वेल्व पाइप्स आर कनेक्टेड टू सिस्टम, 12 पाइप्स लगे हुए, अभी तक एक एक दो दो था, 12 लगे। सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप एंड अदर्स आर आउटलेट पाइप्स, कुछ पानी भर रहे हैं कुछ पानी निकाल रहे। ईच ऑफ द इनलेट पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स, एक इनलेट की बात की जाए, सिर्फ एक इनलेट है जबकि ज्यादा, एक इनलेट जो है कितनी देर में भर सकता है, ज्यादा होंगे तो अकॉर्डिंगली टाइम कम हो जाएगा। मैं सिर्फ वन इनलेट की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक। एंड ईच ऑफ द आउटलेट पाइप, और अगर एक, और अगर मैं वन इनलेट और वन आउटलेट की बात करता ठीक है, तो उसको लगते हैं 12 आवर्स ठीक। इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन, सारे पाइप्स खोल दिए गए, इनलेट्स भी आउटलेट्स भी, उनका काम आपको पता है, एक का काम पॉजिटिव है एक का काम नेगेटिव है। द एम्प्टी टैंक गेट्स फिल्ड इन 5 आवर्स, जो टैंक है ये पूरा 5 आवर्स में भर जाता है, फिल्ड इन 5 आवर्स। हाउ मेनी इनलेट पाइप्स आर देयर, इसमें कितने इनलेट्स है कितने आउटलेट्स है, इनलेट्स कितने हैं, आउटलेट्स कितने हैं, बट इनलेट्स प्लस आउटलेट्स कितने हैं, टोटल टोटल 12 हैं। अब कैसे करोगे, तो मतलब आपका आंसर है सी, बताइए। बताओ कैसे, मान लेते हैं ये एक्स है और ये, तो एक बात पता चल गई आपको कि एक्स प्लस वाई इज ठीक, अच्छा आप टोटल लेकर के चल रहे हो कि इस टैंक में 60 लीटर पानी आता है, 60 लीटर पानी आता है ठीक है,
एक इनलेट का पर आवर का वर्क कितना जाएगा? हाँ सर 600 होगा। 60/20 करेंगे तो क्या जाएगा? इतनी बड़ी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपने जो बोला मैं वही काम कर रहा हूँ, 6 लीटर पानी आ रहा है, एक इनलेट 20 घंटे में भरता है, तो एक इनलेट का जो काम होएगा वो कितना जाएगा भाई? बोलो। 3 यूनिट्स पर आ, 6 कैसे आ रहा था? गलती है तो ब्लंडर है क्यों भाई दिव्यांशु? सर आंसर 6 आ रहा। अच्छा आंसर 6 आ रहा है, इनका आंसर 8 आ रहा, देखते हैं। तो एक इनलेट अगर चलेगा तो 3 लीटर पानी हर घंटे में भरेगा, और एक आउटलेट चलेगा तो क्या करेगा? ये 5 लीटर पानी खाली करेगा। समझ गए? कितने इनलेट्स हैं? एक्स। तो एक इनलेट 3 घंटा 3 लीटर पानी भरता है, यूनिट की जगह लीटर कर देना है ना, 3 लीटर पानी भरता है, तो एक्स वाले कितने भरेंगे? 3x, और ये खाली कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5y। और तब क्या होता है जब सारे इनलेट्स और सारे आउटलेट्स चलते हैं तो टैंक क्या होता है 5 घंटे में भर जाता है। तो 60/5 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 12 ही आना चाहिए। यस सर। अलग अलग आंसर सर आपको चेक कर लो भाई, जो आप लोग बता रहे हो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, चेक करके बताओ, सॉल्व कर लो भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो है ना, कितना हो गया ये? 8y = 36 + 12 = 48, y = what? अच्छा एक मिनट, सॉरी माइनस करना, क्या कर रहा हूँ? 8y = what? 24। y = what? 3। आउटलेट्स कितने हैं? 3 है ना। और इतना 3 जाम करने की जरूरत नहीं भाई, आप सीधे सीधे कर सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ऑप्शंस के थ्रू जाओ। अच्छा वाई की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। सिंपल सी बात है, क्रॉस चेक कर लो, 9 × 3 = 27, 5 × 3 = what? 15। 27 में से 15 निकाल दो कितना आ गया? 12 लीटर पानी हर घंटे में भरना चाहिए, 12 × 5 = 60, तो 5 घंटे में भर जाएगा, सिंपल सेटिस्फाई कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप जब आंसर कर रहे हो तो उसको आप कैलकुलेट भी तो वेरीफाई भी तो कर सकते, सही है कि नहीं? नाइन होगा। आप लोग क्या बोल रहे थे? आप 8 बोल रहे थे, कोई 6 बोल रहा था? क्लियर है भाई सभी को? अरव यस सर। ठीक है दिव्यांशु, पलक, छवि, क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर। एक मिनट, कितना बढ़िया काश, अभी रुको, एक एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं पहले, कर तो ये भी सकते हम लोग, चलो पहले ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, फिर इसके एक और देखते हैं, फिर टाइम है इसी का, पाइपन सिस्टम का। इसको रहने दो, थोड़ा इक्वेशन टाइप का अभी मतलब बन जाएगा, इक्वेशन बेस्ड में बहुत बहुत पसंद नहीं करता। टाइम एंड मतलब उसी का ही दूंगा, हाँ पाइपन सिस्टम का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको देखो, ये बहुत अच्छा लेवल का, बहुत बढ़िया तरीके से कहानी बनाई गई है और लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन। Thank you.
इसके लिए मैं आपको 2.5 मिनट कायदे से, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा लगे तो 3 लगना चाहिए बस। आप बोलो भाई, आइडियली जो टाइम लगना चाहिए तो खत्म हो गया भाई। आप कितनी बात समझ पाए हैं आप लोग, वो मैं समझ जाऊं तो फिर आगे बता पाऊं, हेल्प कर पाऊंगा। बताओ क्या क्या समझ पाए, बोलो भाई। हर रोज एक सेम टाइम पे खाली हो जाता है, एक ही टाइम है उसी टाइम पर खाली होता है। Immediately thereafter either pump A or B or A and B both. या तो टैंक जब खाली हुआ, है या तो सिर्फ A चलेगा या तो सिर्फ B चलेगा या तो दोनों भी चल सकते हैं, ये दे रखा है ठीक है, until the tank is full। मंडे को क्या हुआ बोलते हैं, on Monday A alone completed the filling the tank at 8 am. A ने देखो एक होगा स्टार्टिंग टाइम, मतलब स्टार्ट लिख देता खाली, स्टार्ट किया और फिनिश कितने बजे करता है, 8 pm पे कर देता है, मंडे की बात हो रही है। स्टार्ट कितने बजे होता है नहीं पता, कोई पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है। फिर क्या बोलता है, ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को क्या हो रहा है भाई, बी चल रहा है, अगेन एक स्टार्ट होएगा और एक फिनिशिंग टाइम होएगा।
जब बी चलता है लोन तो क्या करता है उसको 6 PM पे खाली कर, स्टार्ट कितने बजे हुआ है और उधर कितने बजे स्टार्ट हुआ है, बट दोनों में स्टार्ट कैसा है, बस इस बात को ध्यान रख। वेंसडे को क्या हुआ है भाई, वेंसडे वाली कहानी अलग है। ऑन वेंसडे ए अलोन वर्क टिल 5 PM, ए ने स्टार्ट किया और ए चला है 5 PM तक। स्टार्ट कितने बजे हुआ होगा मामला, उसी टाइम पर, बिकॉज स्टार्ट हर एक केस में सेम है, ठीक है। एंड देन बी वर्कड अलोन और उसके बाद बी बी कब से स्टार्ट किया, जब एक गया है, ए ने बंद कर दिया 5 बजे, 5 बजे से ए स्टार्ट हुआ है और कब तक चला है 7 PM तक चला है ये, और फिर टैंक भर जाता है। फिर थर्सडे को कुछ पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम वाज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे इफ बोथ पंप्स वर ओपन। अब ए एंड बी एक साथ चलेंगे, एक होगा स्टार्टिंग टाइम और एक होगा फिनिशिंग टाइम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने बजे वो टैंक भर जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। समझ गए सभी लोग, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमें समझना था अच्छे से। एक खास बात है जो हर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग टाइम वो सेम है, वो पता ही नहीं हम लोगों को। पहला मोटिव होएगा कि वो स्टार्टिंग टाइम पता करे, अब वो स्टार्टिंग टाइम तक पहुंचने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाते थे। तो जो 3 दिन का डेटा दिया हुआ है इनमें कुछ कंपेयर कुछ ऐसी वैल्यूज को कंपैरिजन करना चाहिए सो दैट कि हमें कुछ रिलेशन मिल जाए बिटवीन ए एंड, बिकॉज ए एंड बी दो ही पंप्स थे, तो हमें ए और बी के बारे में कुछ पता नहीं है, वही पता करना है। ये और ये 3 दिन का जो डेटा है, आप क्या क्या बातें देख पा रहे हो, सोच के पता, देख करके पता। सर ये जितना टाइम लेगा बी उससे 2 आवर कम लेगा, ठीक है, बी इज मोर एफिशिएंट। स्टार्ट उतने बजे हो रहा है बट ए 8 बजे तक भरता है और बी जो है 6 बजे भर देता है, तो बी कम टाइम लेता 2 घंटा। ये फर्स्ट 2 से हो गया, ये भी एक डेटा। अगर इसको मान लेते हैं x आवर्स लगता है तो इसको जो है x प्लस 2 आवर्स लगता है, ये बात एक समझ में आई, ये तो मतलब हुआ ना, ये तो बोला ना। और बताओ एक और ये भी डेटा है वेंसडे वाला, इसके थ्रू क्या आ रहा समझ में, वो भी बताओ। ये बात समझ में आती है, बताएं। कोई बात नहीं, वेंसडे को स्टार्ट कौन किया है, वेडनेसडे को स्टार्ट कौन किया है, छोड़ो वेंसडे को स्टार्ट कौन किया है, कितने बजे तक चला, और अगर इसको बंद नहीं करते तो, बंद नहीं करते तो 3 घंटा और लगता है, बढ़ देता है। यहां से आगे की अगर बात करूं, ए का कितना काम बचा है 3 घंटे का, जिसको बी कितनी देर में कर रहा है, ए का 3 घंटे का काम और बी का 2 घंटे का काम,
बराबर है, एक का 3 घंटे का काम और बी का 2 घंटे का काम आपस में बराबर है, क्या ये बात देख पा रहे हैं? ये आपको स्टेटमेंट ये वाला सिखा रहा है, जिस काम को ए 3 घंटा करता 5 बजे से 8 बजे तक चलता और बी क्या कर रहे हैं 5 से 7 ही बजे तक चलता, ये 2 घंटा काम कर रहे हैं तो 3 घंटा कौन ज्यादा एफिशिएंट है? बी। अगर आप सही से देखो, मैं ए अपॉन बी लिखूं क्या आ जाएगा, ये किस चीज का रेशियो है? एफिशिएंसी। अगर मैं टाइम के लिए लिखूं ए और बी का टाइम का रेशियो, मुझे बताओ क्या आ जाएगा? इसका टाइम अगर 3 यूनिट है तो इसका टाइम क्या होएगा? 2 यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस है, मुझे 2 घंटे का डिफरेंस चाहिए, डबल कर लो, हो गया। मतलब एक का टाइम क्या है? एक्चुअल टाइम 6 घंटा। बी का एक्चुअल टाइम क्या है? अब एक बात देखो, यहां से 6 घंटे वापस जाइए, स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा? यहां से 4 घंटा वापस आ जाइए, स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा? यहाँ भी 2 PM ही होना चाहिए और यहाँ भी। अब ए और बी से भरवाना है, ए और बी का टाइम पता है, ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, बी अकेले जो है 4 आवर्स में फिल कर सकता है, तो ए एंड बी टुगेदर कितनी देर में भरेंगे मुझे बता दो, बाकी मैं बता दूंगा। ए और बी एक साथ कितनी देर में भरेंगे? ये तो बता ही सकते हैं ना, बताओ भाई। ए और बी एक साथ कितनी देर में फिल करेंगे? अगर आप लोग ये ना बता पाए तो भाई आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए पूरा टॉपिक, प्रैक्टिस सेंटेंस के तक आने में फिर आपको और समय लग जाएगा, ये आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये हाल है। ये बात आप लोग बता सकते हो भाई सभी लोग? ए 6 घंटा, बी 4 घंटा, दोनों एक साथ कितना टाइम लेंगे ये बता मैं आपको। चलो टोटल यूनिट मान लो 12 लीटर है, एक पर आवर कवर कितना जाएगा? 2। इसका पर आवर कवर कितना जाएगा? 3। तो आप 12 लीटर फिल कराना है 2 + 3 मतलब 5 आवर्स के रेट से, तो 2.4 आवर्स हो जाएगा। 2.4 आवर्स का मतलब हो गया 2 hours and 24 minutes, 2 घंटा 24 मिनट लगेगा, और 2 बजे के बाद से 2 घंटा 24 मिनट देखोगे तो 4:24 का टाइम हो रहा होगा जब वो टैंक पूरा भर जाएगा। दिस इज द आंसर। चार बज के 24 मिनट में टैंक भर जाएगा। मैं आप लोगों से टाइम पूछ रहा, सिंपल सा ही नहीं बता रहा, क्लियर है भाई? यस सर। आर अवर्णव, छवि, पलक, इज इट क्लियर? इसको 2 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, यहाँ एक का डिफरेंस है, डबल कर दो 2 का डिफरेंस हो तो 6 घंटा 4 घंटा हो गया। नहीं समझ, इसको 6 करोगे 4 करोगे तभी तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई। अब थोड़ा सा यहां से वैरायटी फिर चेंज करने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन फिर से वैरायटी चेंज है। अब जो वैरायटी है वो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिविजुअल वाले से हट गए, चाहे वो पाइपिंग सिस्टम हो चाहे वो पर्सन वाले हो। अब ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ग्रुप एफिशिएंसी।
लोग अब यहाँ पे ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो बस एक बात बता देता हूँ फिर आप लोग बनाइए। जब ग्रुप में काम हो रहा होता है, जैसे बोलता है कि 20% कैन डू सम पीस ऑफ वर्क इन 5 days या अनदर कुछ भी दिया हुआ है आपको, कोई बात नहीं। जब 20 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो बताए भाई 20 लोगों में कौन कौन है, किसकी एफिशिएंसी कितनी कितनी है, नहीं बता रहा तो आप क्या करेंगे? आप ये अज्यूम करके चलेंगे हमेशा कि 20 लोग जितने भी हैं सभी की वर्किंग एफिशिएंसी सेम है। बेटर रहेगा आप सबकी एफिशिएंसी को क्या मान लो, 1 unit मान लो और उसी को लेकर के चलो। इसमें बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है, आसान। तो इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए, समझिए और आंसर करिए। अब मैं बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, बेसिक्स की क्लास रिकॉर्डिंग सबके पास है, जितने ऑब्वियसली सारे एनरोल्ड वाले ही हैं, है ना? तो आप लोग बेसिक की क्लासेस कॉन्सेप्ट वहां से देखिए, क्वेश्चंस यहां से देखिए। Ten days. Good. और बताएं भाई। टेन ओके सेफ इन अ फोर्ट देयर वाज 200 सोल्जर्स ठीक है एंड देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 days। 200 लोग जितना भी फूड वहां था उसको 31 days में कंज्यूम कर सकते हैं। तो फूड को वर्क की तरह देख लो, 200 लोग किसी वर्क को 31 days में कर सकते हैं, ये ना बोलेंगे, ये ना मतलब है। 200 लोग किसी काम को 31 days में कर सकते हैं। आफ्टर 27 days 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग चले जाएंगे तो क्या होएगा? लोग कम हो गए, रेट कम हो गया जिस रेट से वर्क हो रहा था, जिस रेट से फूड कंज्यूम किया जाता वो रेट कम हो गया। रेट कम हो जाएगा, वर्क स्लो हो रहा है तो क्या होएगा? टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो देखो एक होता है कि टाइम कितना ज्यादा कितना लगेगा, अब एक वो क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन होता है कितना टाइम ज्यादा लगेगा, एक क्वेश्चन होता है। तो बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन और आप लोग शायद उसमें कंफ्यूज हो गए। लास्ट टाइम दोबारा पढ़ो। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा वर्ड को हटा के पढ़ो, एक्स्ट्रा डेज को लगा के पढ़ो, बताओ भाई दोनों का क्या मतलब है? जो वर्ड एक्स्ट्रा है एक बार एक्स्ट्रा को इंक्लूड करो, एक बार एक्सक्लूड करो, देखो क्या स्टेटमेंट्स का मतलब बदल रहा है। और बदल रहा है तो उसका मतलब बताएं मुझे। हाँ तो उसका मतलब बताओ। यस सर मतलब बताइए।
अगर एक्स्ट्रा को एक्सक्लूड करेंगे तो सर 27 डेज के बाद कितने डेज लगे वो बताने होंगे। 27 डेज के बाद जितना टाइम लगेगा वो बताना होगा जब एक्स्ट्रा वर्ड हटा दिया जाए कि हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द रिमेनिंग फूड फॉर रिमेनिंग सोल्जर्स ठीक एंड एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देते हैं जो कि है एक्चुअल में तो इसका मतलब क्या है तो सर 27 प्लस जितना डेज आया है प्लस करके 31 में से माइनस कर दूं। अब आपका आंसर क्या है इज योर आंसर स्टिल 10 डेज ऑप्शन डी 6 डेज। ये बातें वहां कौन बताने आएगा पहली बात 200 लोग हैं टू 31 डेज तो 200 × 31 दिस इज द टोटल यूनिट ऑफ वर्क दिस इज द टोटल यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज वाला कंसेप्ट चलता है नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज जो भी प्रोडक्ट होगा दैट इज द टोटल यूनिट ऑफ वर्क समझ गए बात को तो अगर ये है यहाँ पे तो मैं ये बोलूंगा मेरे पास 6200 यूनिट्स वर्क है जब मैं बोलता कि आफ्टर 27 डेज मतलब 27 डेज के बाद कुछ हो रहा है 27 डेज तक कुछ हुआ नहीं उतने ही लोग थे तो मैं समझ जाऊंगा फॉर फर्स्ट 27 डेज देयर वर 200 सोल्जर्स तो कितना यूनिट कंज्यूम हो गया 5400 यूनिट्स कंज्यूम हो गया भाई ये मतलब है बचा कितना मेरे पास 800 और बचा तभी तो टोटल 6200 हो जाएगा ये जो बचा वाला है ये कौन कंज्यूम करेगा 120 चले गए भाई बचे कितने 80 लोग कितने दिन कंज्यूम करा दूं कि 800 यूनिट हो जाए ऑब्वियसली 10 18 × 10 is 800 तो 27 दिन के बाद ये 10 दिन और चलेगा दिस इज द डेज नंबर ऑफ डेज 27 दिन और 10 दिन 27 दिन के बाद ये 10 दिन और चलेगा बट क्वेश्चन पूछा ओवरऑल हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड पहले कितने दिन चलता था 31 डेज चलता था अब कितने दिन चलता है 37 पहले टोटल कितना था 31 डेज अभी कितना है 37 डेज हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज 6 डेज तो 6 एक्स्ट्रा डेज इज योर आंसर 10 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा 10 डेज तो है फॉर रिमेनिंग फूड कि रिमेनिंग फूड 10 डेज चलेगा बट रिमेनिंग फूड कितने एक्स्ट्रा डेज चलेगा भाई यहाँ 4 दिन का फूड तो था ही ना आफ्टर 27 डेज 4 दिन का तो फूड था ही तो 4 दिन की जगह कितना दिन चल रहा है 10 दिन तो कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए 6 दिन समझ गए बात को ठीक है एक और देता हूं इस बार वो जो क्वेश्चन होगा वो कैट का होगा पढ़ो
दो मिनट और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा इसको। इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, सोच समझ करके बताइए। हो गया, चलो बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है। दिव्यांशु, पलक, छवि, अर्णव, आरोपी, 16। बोलो भाई, क्वेश्चन में समझ में क्या आ रहा है बताओ, क्या क्या समझ में आ रहा है वो तो बताओ भाई। एक पर्सन अकेले, वन पर्सन वन 120 डेज, ठीक। फिर पर्सन भी है सर, वो भी 120 डेज। जो भी बंदा यहाँ आ रहा है सबका एफिशिएंसी सेम है। पहले दिन एक यूनिट काम हो रहा है तो दूसरे, पहले दिन एक बंदा काम कर रहा तो एक यूनिट काम होएगा, दूसरे दिन एक बंदा और ज्वाइन करता है तो दोनों का एफिशिएंसी सेम है, तो 1+1 दो यूनिट काम हो जाएगा, ये मतलब है। तीसरे दिन क्या होएगा भाई, तीन लोग हैं एक बंदा और आ गया, तो यहाँ पे मैं सीधे अगर लिख दूं 2+1, यहाँ पे तीन, या वही से वैसे लिख देता हूँ, 1+1+1, तीन लोग हैं तो 1-1 यूनिट काम करेगा। चौथे दिन क्या होएगा भाई, कितना यूनिट काम होएगा, 4 यूनिट काम हो जाएगा क्योंकि एक बंदा और आ जाएगा। पांचवे दिन क्या होएगा, 5 यूनिट। छठे दिन 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, ऐसे कराना। तो बेसिकली कराना क्या है कि यहाँ पे 1 काम हो रहा है, यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, 3 हो रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 होएगा। ये जो बन रहा है फॉर्म वो बन रहा है नेचुरल नंबर्स। आपको देखना है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2, भाई मान लो वर्क एन डेज चला, तो यहाँ पे एन यूनिट वर्क होएगा ना, 1 to n कितना होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है भाई। एक पर्सन उस वर्क को अकेले कितना कितना दिन में करता है, 120 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 120 यूनिट ही तो हुआ। मुझे बेसिकली ये 1 से लेके n तक का सम कितना चाहिए, 120 यूनिट चाहिए। पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। सिग्मा n क्या होता है, n into n plus 1 divided by 2, and this should be equals to कितना, 15, 14, गलत हो गया, 15, 15, हाँ, इसको सॉल्व करिएगा, n into n plus 1 equals to 240 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, you will get the value of n as 15, this is the correct answer। अगर आपको पता होता, कि थोड़ा बहुत दिमाग होता, तो आप बोलते सर 1 से लेके 15 तक का सम 120 होता है, इसलिए 15 दिन लगेगा, सीधी सी बात।
वही किया था सर मैंने सम तो एपी तो नेशनल नंबर से एपी में ही तो होते हैं बात तो वही है वही आएगा वही इजी क्वेश्चन था बस अटक गया आप लोग पता नहीं ये भी ग्रुप पर ही बेस्ड है बेटर क्वेश्चन इसे देख सकते हैं टाइम आप लोग बहुत ले रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे और एग्जाम सर पे है उस हिसाब से टाइम आप लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं टाइम अभी ऐसा होना चाहिए मैं क्वेश्चन दो एक मिनट में आंसर आता फिर भी मैं 3 मिनट दे रहा हूँ इसको करिए और बताइए आंसर आया किसी का भी दिव्यांशु पलक छवि अर्णव आरव किसी का भी आंसर आया हो तो बताइएगा तीन मिनट में भी नहीं बना अब बताओ समझ में कितनी बात आई है बताओ सर टाइम अप हो चुका था इतनी देर में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन पेपर है अगर और टाइम अप बंद हो जाएगी विंडो आंसर आ भी जाएगा तो मतलब नहीं है बोलो ठीक है हमारे पास अभी तक है दिया हुआ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट 6 किलोमीटर रोड इन 2 डेज उसको 6 किलोमीटर रोड बनानी है 200 दिन का टाइम है उसके पास ये है उसके पास इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि 200 दिन में 6 किलोमीटर बनानी है ठीक फिर he employed 140 persons for the work it doesn't mean कि 140 लोग 200 दिन में 6 किलोमीटर रोड बना देंगे इसका मतलब ये नहीं उसने क्या कि सिर्फ इतने लोगों को लगाया है इसका एस्टिमेशन है एक तरीके से कि इसने 140 लोग को लगाया है ठीक है एंड आफ्टर 60 डेज मतलब ये 140 लोग 60 दिन तक काम कर ही दिया ना
After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer, 1.5 kilometer of the road has been completed. सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही रोड बन पाई है. एक बात बताओ, रोड कितनी बनानी है? 6 किलोमीटर. मतलब इसको 4 times करोगे तो आएगा ना, 4 times करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा. जबकि बनवाना है कितने दिन में? मतलब काम स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वर्क को टाइम पे कराना है तो वही उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन पूरा. अभी क्या कहता है कि हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम. लेकिन जब वो कुछ लोगों को और एम्प्लॉय करेगा, कब एम्प्लॉय कर रहा है? आफ्टर 60 days. 60 days का वर्क हो चुका है. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप 140 लोग तो थे ही, कुछ एडिशनल लोग चाहिए. सपोज एक्स लोग और आ गए, आप उसको क्या करना है? वर्क टाइम पे ही कंप्लीट कराना है. तो मेरे पास रिमेनिंग टाइम कितना है? आप 140 डेज बचा है. बिकॉज मुझको वर्क टाइम पे कराना है, मतलब 200 दिन की ही टाइम लिमिट थी, उसी में कराना है. और इनसे कितना वर्क कराना है मुझको? 4.5 किलोमीटर कराना. समझ गए? अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं. एक है आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड. अगर आप इसमें देख पाए किस रेट पे काम हो रहा था, किस रेट से काम चाहिए, तो आप शायद डिफरेंस वगैरह निकाल के बना सकते हो. दूसरा एक फॉर्मूला बताया था रेगुलर क्लासेस में, चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसके थ्रू बना सकते हो. ठीक है, फॉर्मूला याद है क्या? वर्क डन. ठीक है, तो वही बता देता हूँ, है ना. तो अगर फॉर्मूला के थ्रू जाना हो, जो एक आपको सिखाया गया है क्लासेस में कि M1D1 / W1 = M2D2 / W2. बेसिकली M1D1 जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो टोटल यूनिट ऑफ वर्क को ही तो रिप्रेजेंट करता है. लेकिन दोनों ही केसेस में जब वर्क सेम होता है तो आप इक्वेट कर लेते हैं. अभी वर्क अलग अलग है, तो जब वर्क अलग अलग होता है तो आपको ये पता है कि वर्क सेम रेट से ही कराना है मुझको, तो उसका जो रेशियो होगा वो सेम कर देते हैं हम लोग. तो अगर आप फर्स्ट केस देखो तो कितने लोग है भाई? 140 लोग का दिन कितने हैं? 60. वह कितना कर रहे हैं? 1.5. अभी क्या है? 140 प्लस एक्स पर्सन चाहिए फॉर 140 डेज. कौन सा वह कितना कराना है? 1.5. सॉल्व कर लीजिए एक्स की वैल्यू. आज जल्दी से बताइए कितना आ रहा है. कैलकुलेशन सही करो. कितना आ रहा है भाई? 140. ये लिखा है ना? कहाँ 120? 40 + 6 = 40. क्यों? 180 दिन में काम कराना है? 20 दिन पहले काम कराना है? 140 क्यों लिखा है बताओ? हाँ, अरे पहले बताओ तो मैंने 140 क्यों लिखा है. हाँ तो हमें टाइम पे तो कराना है कि टाइम के पहले कराना है? ठीक है, सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40. तो एक तो तरीका हो गया फॉर्मूला बेस्ड. दूसरा तरीका क्या है भाई? मैंने बोला वैल्यूज को ऑब्जर्व करो. ठीक है, अगर वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर यही लोग काम करते अगले जो मेरे पास जो टाइम बचा हुआ है, अगर इनसे मैं वर्क कराता, मतलब वर्क बचा कितना हुआ है? 4.5 किलोमीटर बचा हुआ है. अगर किसी को और एम्प्लॉय नहीं करता तो 4.5 किलोमीटर रोड कितने दिन में बनती? 180 दिन में बनती. भाई अगर ये लोग 1.5 किलोमीटर 1.5 60 दिन में बना पाते हैं तो 4.5 कितने डेज में बना पाएंगे? 180. लेकिन मेरे पास अभी क्या करना है? 180 की जगह कितने डेज में कराना है? तो मैं नंबर ऑफ डेज कम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे. मैं नंबर ऑफ डेज कितना कम कर रहा हूँ? 40 फ्रॉम 180. फ्रैक्शंस में बोलूंगा तो क्या होगा? 2/9. नंबर ऑफ डेज को क्या कर रहा हूँ?
टू बाई नाइन कम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे, टू बाई सेवन पढ़ जाएंगे। पहले कितने लोग थे, 140, 140 का 2/7 कर दो, इतने लोग एडिशनल चाहिए। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताइए, वही आंसर। मैंने बोला ना ऑब्जर्वेशन, सही ऑब्जर्वेशन वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं समझे बात को, नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बताऊ, सभी लोग बताएं। आरव, अर्णव, दिव्यांशु, छवि, लोग कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, बहुत अच्छे। एक ऐसा भी बना लो मिक्स टाइप वाला, ताकि आज की क्लास में मैं टाइम एंड वर्क पूरा खत्म ही करा दूं, कुछ बच्चे ही ना, सिर्फ यही बचा हुआ है। अब दो अलग अलग ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं, 3 men and 8 machine। फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय, मान लो जो भी देखते हैं, टेकन बाय 3 machines। एंड 8 men टू फिनिश द सेम जॉब। इनको मान लो जो भी टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो इनको टी बाय 2 टाइम लग रहा है। ये तो दिया हुआ, जब 3 men 8 machine काम करते तो टी बाय 2 टाइम लग रहा है, कोई टी क्या मेरे को नहीं पता। और जब 8 men और 3 machines काम करते तो कुछ टाइम लगता है, और यहां पे उसका आधा टाइम लगता है पहले स्टेटमेंट। क्लियर? 2 machines कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। टू machines 31 days, then how many men can finish the job in 13 days? तो 13 दिन में टाइम सेम कर दिया, कितने men चाहिए होंगे? समझ गए? बनाइए।
कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग बताएं। बेसिकली बात क्या होती है, मैं अगर टाइम बराबर कर लूं दोनों तरफ, अगर टाइम बराबर कर दूं, मान लो यहाँ भी टी टाइम होता है, यहाँ भी टी टाइम होता है, मान लो यहाँ 10 दिन है, यहाँ भी 10 दिन है, तो मैं बोलता चाहे इतने लोग काम करें, चाहे इतने लोग काम करें, काम बराबर है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता। तब टाइम सेम होता है, देखते हैं, जब टाइम सेम होता है, बट यहाँ टाइम अलग अलग है। अगर मुझे टाइम सेम बनाना है तो मैं इधर का टाइम आधा कर दूं, या तो इसके इस टाइम को डबल कर दूं। अगर मैं इस टाइम को डबल करूंगा तो उसका क्या कारण होएगा, टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? टाइम अगर यहाँ पर डबल करना है तो नंबर ऑफ पर्सन ये जो भी है मशीन्स या जो भी है इनको हाफ करना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम ज्यादा करोगे तो नंबर जो पर्सन या जो लोग काम कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। नहीं समझे, क्लियर है? तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो कि यहाँ पे 2 यूनिट टाइम है और यहाँ पे 1 यूनिट टाइम, यहाँ पे 1 यूनिट टाइम है, तभी तो आपके पास 2:1 का रेशियो है ना, हाफ द टाइम, ये तो सिखाया। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे ये 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट बनाना है, टाइम यहाँ पे आधा करना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पर्सन को डबल करना पड़ेगा। बेसिकली आप इतना दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि ये वैल्यू इधर वाली वैल्यू 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, कुछ डिफरेंट होता तो मल्टीप्लाई कर देते, और ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आएगा दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। दिस इज द लॉजिक, समझ गए? तो क्या आएगा पहले वाले से? 3 men सर 8 machine, इनका जो काम होएगा 16 men और 6 मशीन के बराबर आएगा। अगर मैं लिखता हूं तो इधर आ जाएगा 15 men, है ना, और ये हो जाएगा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो गया, सॉरी 13, क्या कर रहा हूं, हाँ दिव्यांशु एक मिनट वेट करें, 13 men और इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 machine। ये आ गया रिलेशन, 13 आदमी काम करे चाहे 2 machine काम करे, बात बराबर है। अब बोलो दिव्यांशु, सो मल्टीप्लिकेशन 2 ऊपर वाले लोग सर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करेंगे या नीचे वाले, या बताओ आप जो कर रहे हो, मैं तो जो करता हूँ वो तो बता दिया मैंने, मैंने ऊपर वाले को किया। तो अगर आप ऊपर वाले में कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ पर्सन को डबल कर रहे हो, ज्यादा लोग काम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, 1 यूनिट की जगह और कम हो जाएगा, इस बात को दिमाग लगाओ ना। नॉर्मल इक्वेशन थोड़ा है कि इसको 2 करना है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर नंबर ऑफ डेज इधर नंबर ऑफ पर्सन है, लीनियर इक्वेशन थोड़ा लिखी हुई है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई होगा, वो तो है ना, बाद में आंसर बाद में, पहले इस पे आप नंबर ऑफ पर्सन डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई दिव्यांशु, जो मैं बोला हूँ बस वो काम करो, इस टाइप से लिखो, जो टाइम है वो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका जो टाइम है उसी ग्रुप में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, यही तो बताया आपको। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बचा, 2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे भी 1 बचा, दोनों जगह 1 यूनिट हो गया, समझ गए बात को, क्लियर? तो चाहे 2 machine काम करे चाहे 13 आदमी काम करे, बात बराबर है? 2 machine कितने दिन में करते हैं, तो 13 आदमी कितने दिन में करेंगे, 13 दिन में, 2 machine की जगह 13 machine भी तो लिख, 2 machine की जगह 13 आदमी भी तो लिख सकते हैं, 13 men, नहीं समझे? 2 machines को कितना टाइम लगता है, 13 days, तो 13 आदमी को कितना टाइम लगेगा,
आपस में इक्वल काम है भाई, तो इक्वल टाइम भी तो है। तेरह दिन में 13 आदमी नहीं लगेंगे, फिर काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्योमेट्री मेथड गलत लगा रहे हो। अगर एक आदमी एक दिन को एक दिन में कर लेगा तो 13 आदमी कितने दिन में करेंगे? 1/13 डेज में करेंगे। नहीं सर, एक आदमी एक दिन में क्या कितना? एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है? 13 आदमी 13 दिन में 13 यूनिट काम करता है। अब ठीक है, ठीक है, तो आपने टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाला है पहले? अरे कुछ मत करो भाई, ये 2 मशीन = 13 मैंने, ये 2 मशीन की जगह 13 मैन लिख सकते हो गया 13 दिन खत्म। क्लियर? अच्छे से क्लियर? yes. चलो एक और देते हैं, बस खत्म करते हैं। बताता मैं और डिटेल में अगर मेरी रेगुलर क्लास होती है, अभी नहीं, वो टाइम नहीं है। चलो लास्ट है आज को बनाइए। सेम ही क्वेश्चन है, बताइएगा भाई जब हो जाए।
Humans and robots can both perform a job, but different efficiency. 15 humans, 5 robots, 30 days. Option B. Okay. Whereas 5 humans, 15 robots, 60 days. How many days will 15 humans working together without any robot? कितना टाइम लेंगे ये पूछ रहा आपसे. जो मैंने सिखाया मैंने बोला आप इधर 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर सकते हैं. तो 30 × 15H + 5R = 60 × 5H + 15R. सबसे पहला काम इसको थोड़ा छोटा कर दो तो कैलकुलेशन में फंस हो गया. ठीक, तो 15 ह्यूमंस प्लस 5 रोबोट्स इज इक्वल्स टू 10 ह्यूमंस प्लस 30 रोबोट्स. ह्यूमंस एक तरफ कर लीजिए तो 5 ह्यूमंस इज इक्वल्स टू 25 रोबोट्स, या 1 ह्यूमन इक्वल टू 5 रोबोट्स. ये आ गया रेशियो और इसी की जरूरत पड़ती है कि हम कोई आंसर लग पाए. और जब आपको इनकी इसी के थ्रू आप उनका वर्किंग एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, जब वर्किंग एफिशिएंसी आ जाएगा तब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. अब ध्यान दें सभी लोग, लास्ट स्टेप पे ध्यान दें, फट से बन जाएगा. इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या ह्यूमन अपॉन रोबोट्स आई गेस ऐसे लिखूं तो क्या 5/1 हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर लेता हूँ कि एक ह्यूमन अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो एक रोबोट एक दिन में 1 यूनिट काम करता है. मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ. तो मैं दोनों में से एक स्टेटमेंट उठाता हूँ कि अगर 15 ह्यूमंस हैं तो 15 × 5 यूनिट काम होएगा. जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे यही समझा देता हूँ. 15 ह्यूमंस हैं तो 15 × 5 यूनिट काम होएगा, 5 रोबोट्स हैं तो 5 × 1 यूनिट काम होगा. कितना यूनिट काम हो गया? 80 यूनिट काम हो रहा डेली फॉर 30 डेज. तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 80 × 30, this is the total unit of work. इनसे कराना है 15 humans से, तो 5 × 5 से 15 × 5 से तो कराइएगा, divide by 15 × 5. समझ गए? वही बात है, तुम फोन फिर करके वही बात है, कर सकते कैसे भी. ठीक है, 2 × 16 × 32 days is the answer. क्लियर? क्या करना है? ठीक, हाँ, अच्छा, यहाँ रोबोट को ह्यूमंस में, तो 5 रोबोट्स का मतलब 1 ह्यूमन होता है. तो 5 रो इसकी जगह 1 ह्यूमन कर दो, हो गया 16 ह्यूमंस हो गए. इसमें क्या सामने है? क्लियर है? समझ गए बात को? तो अभी बस करते हम लोग, और इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सकते बनाइए. मैंने मेरी समझ से जितने क्वेश्चन हो सकते थे टाइम एंड वर्क में वो करा दिए. कल टीएसडी के क्वेश्चंस करेंगे. थोड़ा बहुत बेसिक्स देख करके आइएगा, पुराने वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यहां दिक्कत आएगी. मेरे को जैसा कई बार ये रियलाइज हो रहा है कि अभी आप लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है. क्यों? क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर है आपको, प्रैक्टिस सेशंस का फिर मतलब नहीं रह जाता है. मैं चाहता तो लेवल और बढ़ा सकता था, बट जब दिखता है कि ये प्रॉब्लम्स है तो पहले उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है ना. मेरे फिर क्वेश्चन जो क्लास होती है थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, जिस ट्रैक पे सोच के आता हूँ ट्रैक पे हम लोग नहीं चल पाते है ना. तो थोड़ा सा जब काम करके आएंगे आप लोग तो शायद आपको फिर मैं और अच्छे से बता पाऊंगा. तो उतना काम करिए आप लोग. ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन.